करना है। ठीक, कल मूल्यों पर बात करते समय हमने वात्सल्य पर बात किया, तो ये गुरु शिष्य संबंध में पाया जाता है। इसी समय में माता पिता में भी ये मूल्य अपने संतान के प्रति होना आवश्यक हो जाता है। मुझे लगता है इस कॉल में जितने भी लोग हैं अधिकांश माता पिता ही हैं, तो तीनों चीजों पर ध्यान देना पड़ता है। तो मूल्य शिक्षा और ज्ञान, तो जैसे चेतना विकास मूल्य शिक्षा का नाम है, जो मध्यस्थ दर्शन का अध्ययन बच्चों के लिए जो शिक्षा में जो वस्तु है वो चेतना विकास मूल्य शिक्षा के नाम से प्रतिपादित किया गया है। तो मूल्य और ज्ञान, मूल्यों के बारे में हम लोग अभी चर्चा कर ही रहे, उसमें साथ ज्ञान के अर्थ में क्या आ जाएगा, अस्तित्व दर्शन और जीवन ज्ञान। तो मुख्य मुद्दा तो चैतन्य इकाई का होना, ये सबसे बड़ा मुद्दा है शिक्षा में। जैसे हमारा बच्चा है तो हम किसको बड़ा कर रहे हैं इसका उत्तर हमारे पास नहीं रहता है। हम मानते हैं कि हमारा बच्चा है, फिर किसी दिन दिखता है कि मेरी बात नहीं सुनता, फिर किसी दिन दिखता है कि मैं जैसे जिया वैसे नहीं जीना चाहता, ये अलग ही जीना चाहता है। तो दिखता हमारे जैसे है, कुछ कुछ आदतें या प्रवृत्तियां हमारी जैसी हो सकती है, बाकी उसका अलग ही होता है। जैसे मैं हूं, हमारे पिताजी डिफेंस रिसर्च में साइंटिस्ट थे, तो लास्ट में बड़े बड़े मिसाइल के लिए प्रोपेलेंट डिजाइन किए, और मैं चेतना विकास मूल्य शिक्षा की ओर आ गया, है ना। तो ये कह नहीं सकते, तो चैतन्य इकाई को शिक्षित कर रहे हैं मानव रूप में, ये ध्यान में रहता है। फिर भौतिक वस्तुओं के उत्पादन के लिए आजीविका उपार्जन जिसको बोलते हैं, लाइवलीहुड, उसका उद्देश्य क्या है, ये भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति, और आज के दिन में, आज के टर्म्स में भी देखेंगे तो पैसा कमाना। बिकॉज अभी मानव की जैसे जीने की जो स्वरूप बन गई है, उसमें मात्र भौतिक वस्तुओं से हमारी आवश्यकताएं पूरी हो जाती है ऐसा नहीं है। कई सेवाओं के लिए हमको कोई मुद्रा या कोई प्रतीक वैल्यू, है ना, कोई नोशनल वैल्यू देना पड़ता है, जिसको पैसा बोलते हैं। जैसे आप एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहते हैं तो ट्रेन में आप आम या सेव नहीं दे सकते, आपको पैसा ही देना पड़ता है। सो इट इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, सो यू हैव टू अर्न द मीडियम ऑफ एक्सचेंज एज वेल। मतलब हम जो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं वो कन्वर्ट होकर उस मीडियम ऑफ एक्सचेंज में कन्वर्ट होना पड़ेगा, एक एडिशनल स्टेप आगे। एक समय में लोग वस्तु के बदले वस्तु, जिसको बार्टर सिस्टम बोलते थे, वो करते थे। उसमें दो दिक्कतें थी, एक तो बहुत कम्बरसम है, वो बहुत कठिन है, और दूसरा फिर बहुत लिमिटेड है आपकी चॉइसेस, क्योंकि आमने सामने जो चीजें लोग या वस्तुएं एक्सचेंज के लिए है उन्हीं के साथ आप कर सकते हैं, बाकी चीजें आपको नहीं मिलेगा उपयोग करने के लिए, उपभोग करने के लिए। मुझे याद है बचपन में हम लोग तमिलनाडु में मेरे नाना जी के गांव जाते थे, तो नमक वाला आता था, समुद्री नमक लेकर, समुद्र का नमक होता है, आयोडाइज्ड वाला नहीं, और हम लोग धान देते थे, चावल होता था, धान होता था हमारे घर में, उसकी एक मात्रा होती थी, 5 किलो नमक के लिए इतना धान, बुरा भर धान लेके जाता था। उस एक्सचेंज को मैंने देखा है, बट इट वॉज वेरी हैवी, तो आते समय भी इतना सारा वजन ढोके हाथ से खींच के गाड़ी लाता था, और जाते समय भी ढोके ले जा रहे हैं। सो इफ यू सी लॉजिकली इट इज सिंपलर, इफ द धान, उसको जो खाना है इट इज अवेलेबल समवेयर एल्स, एंड उसको हमने केवल कोई वैल्यू दे दी, उस वैल्यू, उस टोकन, मान लो मैंने कॉइन दे दिया कोई नीले रंग का, उस नीले रंग के कॉइन के बदले उसने वहां धान एक्सचेंज कर दी। सो दिस वॉज वेरी कन्वीनियंट। तो इसकी सुलभता या सुविधाजनक होने के कारण पैसे का उपज हुआ। आज ऑफकोर्स पैसा बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज हो गई है, वास्तविकता भी नहीं है पैसा, तो इसको हम आगे देखेंगे जब विनिमय कोष व्यवस्था के बारे में बात करेंगे। और एक चीज है पढ़ना, मतलब जानकारी या सूचना, जैसे हमने कहा ज्योग्राफी में, हिस्ट्री में, है ना, कंट्री का नाम क्या है, प्रेसिडेंट का नाम क्या है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आती है,
और लोगों के नामकरण, चीजों के नामकरण भी आते हैं। जैसे मैं समझता हूँ, जैसे मैंने देखा मेडिसिन में, इनके पास इतना सारा सूचना या जानकारी इनको याद करना पड़ता है, मेडिकल बुक मैंने देखा है, बाकी सब्जेक्ट्स के लोग बेहोश हो जाए। जैसे मैंने इंजीनियरिंग में देखा कि नंबर ऑफ वर्ड्स इज लिमिटेड, सिंबल्स एंड लॉजिक पर अधिक ध्यान है। यहाँ पर आपको याद रखना है इतना सारा जो कॉम्प्लेक्स शरीर का जो रचना है, इसके अलग अलग पार्ट्स है ना, उसका नाम क्या, इसका नाम क्या, उसका नाम क्या, फिर वो कैसे काम करता है। तो मेमोरी में रखना एक बहुत बड़ी चीज हो जाती है। लॉ में भी ऐसा ही है, लॉ जो प्रोफेशन होता है, अ लॉयर हैज टू रिमेम्बर मेनी थिंग्स एटलीस्ट टिल ही पासेस द लॉ बार एग्जाम, है ना। उसके बाद भले ही भूल जाए, आजकल कंप्यूटर आ गए तो ढूंढ लेते हैं, बट अदरवाइज जानकारी का भंडार बहुत होना पड़ता है हिस्ट्री के स्टूडेंट्स के लिए। तो मेमोरी इज वन पार्ट ऑफ लर्निंग, हैविंग इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन कुछ कॉमन इंफॉर्मेशन, कुछ जेनरिक मतलब कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। स्किल्स, जैसे एक डॉक्टर डायग्नोस करते हैं, औषधि देते हैं, बट उससे और बढ़िया स्किल है सर्जरी। जैसे आई सर्जन होता है, नाक का सर्जन होता है, सिविल इंजीनियर होता है, सिविल टेक्नीशियन होता है, आपके इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन होता है, तथा समझ। ठीक, तो इसको देखेंगे तो चैतन्य वस्तु के तृप्ति के लिए है, ये जीवन तृप्ति के लिए है, इसके बिना जीवन की तृप्ति होती नहीं, समझ में नहीं आता, समाधान नहीं होता। ये परिवार रूप में जीने के लिए इसकी तृप्ति लगती है, इसकी आवश्यकता लगती है, क्योंकि हम फिर आजीविका का उपार्जन नहीं होगा तो मटेरियल एस्पेक्ट पूरा नहीं हो सकता है, प्लस हमारी क्यूरियोसिटी भी रहती है, पानी क्यों बहता है, सो वी स्टडी इट। अपीयरेंस, तो अंडरस्टैंडिंग दोनों का होता है, अपीयरेंस और प्रॉपर्टीज को कहता है, इसका भी होता है, विषय मैंने लाइन डाला है। और ये जो सूचनाएं हम इकट्ठा करते हैं, ये मानव समाज में जीने के लिए आवश्यक है। आज के दिन यदि आपको जीना है दुनिया में, तो भारत की सीमा कहाँ तक है, इसके कुछ संविधान है ना, विश्व अमेरिका में, अमेरिका बोल के एक देश, ये सब आपको सीखना ही पड़ेगा, पढ़ना लिखना सीखना ही पड़ेगा, नहीं तो आप नेविगेट ही नहीं कर सकते, आप बैंकिंग नहीं कर सकते, बहुत सारी चीजें में आप कम पड़ जाओगे। एक समय में समाज में जीने के लिए जानकारी या इंफॉर्मेशन ऑप्शनल था, आज के दिन इट्स नो लॉन्गर ऑप्शनल, इट्स ऑलमोस्ट कंपलसरी, यू हैव टू बी एबल टू साइन, राइट, यूज अ फोन, ये सारी चीजें। तो हमारे आज के शिक्षा को भी देखेंगे, टीचिंग इज लार्जली रिस्ट्रिक्टेड टू इंफॉर्मेशन एनालिसिस एंड ट्रेनिंग इन वेरियस स्किल्स, है ना, जो समझ वाला भाग है वो टोटल मिसिंग। तो मानव का अध्ययन ही नहीं हुआ अभी की शिक्षा में, आगे हम देखेंगे। तो बिहेवियरल, इंटेलेक्चुअल एंड कॉमन स्पिरिचुअल लिखा है, एस्पेक्ट्स आर टोटली लेफ्ट आउट। और यदि सिखाते तो फेथ बेस्ड, मतलब आस्था के आधार पर सिखाते, बेटा ऐसा करो, ऐसा मत करो, है ना, इस प्रकार की भाषा उपयोग की जाती है, समझ में कम आता है स्टूडेंट को, समझ वाली लैंग्वेज या भाषा कम उपयोग होती है। तो ये वात्सल्य भाव हमारे में होना, हमारे संतान को पहचानने के साथ, तो यदि आज के दिन देखेंगे तो हमारे प्रत्येक माँ बाप में भाव तो होता ही है कि वो सीखे, बट उसकी जिम्मेदारी कई लोग ले पाते हैं, कई लोग नहीं ले पाते हैं, मतलब तो अपना पाते हैं, और उसका दायित्व तो स्वीकारने के बाद भी उसको पूरा करने का सामर्थ्य कुछ लोगों में होता है, कई लोगों में नहीं होता, कैसे पूरा करना है ये पता नहीं रहता। सो यू डोंट नो हाउ टू रेज अ चाइल्ड, यू मतलब ऑल ऑफ अस, हम सभी लोग, हमारी विवाह हो जाती है, शादी हो जाती है, सामने पति या पत्नी खड़ा हो जाती है, इसके साथ करना क्या ये पता नहीं रहता, जो मन में आया उसको करते जाते हैं, होपिंग दैट इट विल बी फाइन। कुछ चीजें कॉमन होती है ना, घर बनाएंगे, मैरिज सर्टिफिकेट करेंगे, आजकल घूमने जाते हैं, है ना, एक ही कमरे में रहेंगे, बैंक अकाउंट शेयरिंग करेंगे, तुमको क्या पसंद है, मुझे क्या पसंद है, ये सब शुरुआती क्रम में, प्रारंभिक क्रम में सब लोग एक्सचेंज करते ही, मैं और मेरी पत्नी भी किए थे, सब भूल गया, मुझे भी कुछ भी हाथ नहीं। फिर एक दिन बच्चा प्रकट हो जाता अपने आप, तो हमको पता नहीं रहता इसके साथ अभी करें क्या। तो एक परिवार की जो सेटअप होती है उसमें फिर बड़े बुजुर्ग होते हैं तो वो बताते हैं ऐसा करो वैसा करो। आज के लोग क्योंकि अधिक पढ़े लिखे हैं, उनको लगता है हमको इनसे अधिक पता है, तो सुनना भी नहीं चाहते, तो वो भी एक जेनरेशन से जो इन्फॉर्मेशन पास होती थी वो भी लगभग बंद हो गई है। सो नाउ यू हैव टू लुक इट अप ऑन द इंटरनेट, माय बेबी इज क्राइंग, मैं क्या करूँ, है ना, ये डायपर को मैं कैसे बांधू, कितने बार डायपर बांधू, उसका रैश कैसे आएगा, ये वाला समय है। तो
एक दिन उसकी शिक्षा की समय आ जाती है और वो भी हमको ये नहीं दिखता कि वो शिक्षा के लिए तैयार है। हमको लगता है कि 6 वर्ष का हो गया, अभी स्कूल में डाल दूं। 6 वर्ष के योग्य उसमें बौद्धिक या व्यवहारिक क्षमता विकसित हुई कि नहीं हुई, इसका आकलन शायद हम लोग नहीं करते हैं। फिर उसको यहाँ हम भेज रहे हैं स्कूल में, विद्याशाला में, क्या पढ़ा रहे हैं, क्या मिसिंग है, उसका भरपाई मैं कैसे करूँ, इसका भी आकलन नहीं। तो एक जो बहुत बड़ा, एक महत्वपूर्ण जो हमारा एक आयाम है जीने का, जो अपने संतान को मानव बनाना या मानव बनने योग्य जो है मार्गदर्शन देना, पढ़ाना, इससे हम वंचित रहते हैं। वी डोंट डू दिस। तो बच्चा भी ऑटो पायलट में स्कूल से किसी दिन निकलता है इतना करके, राइट? फिर वो बन जाता है कुछ। तो क्योंकि हमको पहले से इतने ही दिख रहा था, खुद के लिए भी, हम स्वयं भी इतने को ही समझे, इतने को ही कमाए, इतने में ही जिए, तो फिर इसी को हम पास ऑन करते हैं, नॉट रियलाइजिंग दैट दिस होल थिंग इज मिसिंग, बिहेवियरली, इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल एस्पेक्ट, राइट? तो शिक्षा में इसका भरपाई होना आवश्यक है। इस दर्शन में इसका पूरा सिलेबस प्रस्तावित है, बट इट इज अर्ली डेज येट, अभी उसको समझ के उसको ये करने में भी काफी समय है। तो ये वात्सल्य मूल्य पर थोड़ा सा रीकैप हमारा। अगला मूल्य है गौरव या ग्लोरी। से कह रहे हैं ना, आप कह रहे हैं ना भैया जी कि बच्चों को हमने तैयार किया नहीं हो और उससे पहले हम माँ बाप बन जाते हैं। आप ठीक कह रहे हैं। वैसे भी जैसे कि मैं, हम सभी पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़ते भी हैं ह्यूमन साइकोलॉजी वगैरह, तो उसमें बार बार रिपीटिवली यही कहते हैं कि पेरेंटिंग इज आर्ट एंड वी आर नॉट बॉर्न पेरेंट्स। अब आप खुद बताइए, आप तो बहुत यंग है, जब आपकी शादी हुई या जब आप एक फादर बने, तो ये आर्ट टीचिंग सिखाई तो नहीं थी। और स्पेशली मेरे जमाने में तो हम लोगों को तो बिल्कुल इस बात का आइडिया ही नहीं था कि बच्चों को कैसे रेस किया जाता है। वो आप सही कह रहे हैं कि ऑटो पायलट की तरह से, जैसे अच्छा हुआ उसको स्कूल भेज दिया एंड वो क्या बना क्या नहीं हुआ। और जब पता, जब ये चीजें समझ में आई, इतना नहीं, बस ऑल बाय द टाइम वी वर ऑलरेडी ग्रोन अप। और अब क्या हुआ है कि अब अपनी मिस्टेक्स नजर आती, पर देन इट्स टू लेट टू इवन, उनको कैसे मैंड करी जाए। आप सही कह रहे हैं कि उनको जो ये आर्ट है वो शादी के पहले आ जानी चाहिए। अच्छा, आज के जमाने में तो शादी के पहले बच्चों के बारे में बात करना बहुत अच्छा भी लगता है, बट इन दोज डे इट वाज अ टैबू आल्सो। जब शादी के बाद खुद लड़की नहीं कर सकती थी, तो बच्चे के बाद तो वो कैसे करेंगे। और मे बी नॉट इवन अवेयर ऑफ इट कि इनके इनके बारे में पहले सोचना भी चाहिए, जो सजगता और जो सोचने का अभी आजकल के बच्चों में है। सो आई थिंक दिस इज समथिंग वेरी नाइस। और जो जो बाबा जी ने और जिस तरह से एजुकेशन पे ध्यान दिया है बच्चों के लिए, इट्स वर्थ। बच्चों को तैयार करने से पहले माँ बाप खुद भी तो तैयार होने चाहिए। बिल्कुल, यदि आप देखेंगे तो ये एक कुछ वर्षों का काम नहीं है। इसका जो पूरा स्कोप है, इसको समझ के इसके योग्य हमारी तैयारी होना, कि कम से कम इसमें मतलब प्रारंभ करने के लिए भी एक पूरा जनरेशन लगेगा, बिल्कुल सही कह रहे कुछ हैं। सेट होने में 2 जनरेशन लगेगा। तो ये कई जनरेशन का काम है यहाँ पर जो बताया जा रहा है, एक बहुत लंबी, मैंने वैसे यदि देखेंगे तो पूरे मानव जाति या मानव इतिहास के लिए एक नई दिशा है। और अभी हम कितने मतलब, तो और भी लोग होंगे, बट कम से कम इस कॉल में हम 8, मेरे अलावा अब हम 8 लोग बैठकर इस पर बात कर रहे हैं, 100 करोड़ भी या जी। अपना और भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, हाउ टू मेक अ चाइल्ड अ ह्यूमन बीइंग। दिस इज अ प्रॉपर आर्ट, सबसे बड़ी आर्ट यही हो सकती है। आप मुझे पूछ रहे हैं? हेलो, हेलो, मेरी साउंड है कि गोल हो गई? आ रही है भैया, आ रही है आवाज। दीदी पूछ रहे हैं कि बाकी सभी लोग अपना एक्सपीरियंस बता सकते हैं। अच्छा, हाउ वैसे दे चेंज। बताइए। मैं तो बहुत न्यू हूँ, मेरी वाइफ ही बच्चों को रेज किया है। एल्डर वन बड़ी वाली मेरी 9 इयर्स की है, बेटी छोटी वाली 6 इयर्स है, बट आई डोंट नो हाउ इट इज गोइंग ऑन।
सही में वो बाय डिफॉल्ट होते जा रहा है मेरे साथ, ऑटो पायलट मोड में है मेरे लिए। मुझे लगता है कि एक जैसी शिक्षा खत्म हुई और कहीं जॉब पे लगे तब एक एक स्ट्रक्चर्ड या फिर जो भी सामने रखा है वो समझ में आया, पर उसके बाद में एक्चुअल लर्निंग शुरू होता है। और शादी होने के बाद तो आई थिंक डेफिनेटली नए एस्पेक्ट जुड़ते हैं, बच्चा होता है तो आई थिंक फोकस आई थिंक खुद पे या फिर इन जनरल चीजें करने में ज्यादा जाता है। तो एक्चुअली दैट्स वेयर आई थिंक रियल लर्निंग स्टार्ट्स, आई थिंक दैट्स व्हाट आई ऑब्जर्व्ड। बेसिकली मंजू दीदी का एक क्वेश्चन था कि जब शादी के पहले बच्चों के बारे में बोलना भी जहां मना था, तो यानी हमारे बच्चे कैसे होंगे कैसे करेंगे, तो कैसे हम समझे कि बच्चे कैसे पालना है। तो ये थोड़ा सा ये लग रहा है कि जब पुरानी ज्वाइंट फैमिलीज थी तो सिर्फ हमारे बच्चे नहीं होते थे, तो जो बाकी जो कजिन्स है या बाकी जो रिलेटिव्स है उनके बच्चे, फिर उनको बड़े होते हमने देखा रहता था, तो एक उससे अनुभव मिलता था कि ये बाकी सभी लोग मिलके बच्चों को कैसे ग्रोन अप कर रहे हैं, क्योंकि दूसरा कोई जरिया नहीं था। तो उस वक्त तो वही देखते थे और उसी से समझते थे कि बच्चों को कैसे, बेसिकली उनको कैसे नहलाना है, कैसे फीड करना है, उनके साथ कैसे बिहेव करना है, वो तो पुराने जनरेशन से ही सीखा है ऐसे लग रहा है, बाकी कोई तो जरिया था नहीं। बिल्कुल सही बात है निधि, आज के दिन देखेंगे तो ये अभी का जो व्यवसाय का जो स्ट्रक्चर है, जिस फोर्सेस यू टू गो आउट ऑफ दैट ज्वाइंट फैमिली थिंग, क्योंकि आप शिक्षा के लिए और कहीं चले जाते हो, आपकी नौकरी कहीं मिलती है, आपके भाई की नौकरी दूसरी जगह मिली, तो ये फैक्टर है। दूसरा फिर पेशेंस भी कम हो गया, वो सारी जो मान्यताएं थी कि बड़े को सुनना है ये सारा गोल हो जाता है, फिर कौन किसकी सुनेगा ये बड़ा प्रॉब्लम है ज्वाइंट फैमिली स्ट्रक्चर में। दूसरा फिर सुनना भी चाहते हैं, साथ में रहना भी चाहते हैं, तो भी व्यवसाय दूर कर देता है। तो जो जनरेशनल लर्निंग जो आप कह रहे हैं, जो ऑब्जर्वेशन से आता है, या जैसे प्रशांत भाई ने कहा कि जो स्ट्रक्चर्ड सिलेबस होता है वो तो लॉजिक को बताता है, बट जो जिंदगी को हम ऑब्जर्व करके कुछ नियमों का हमारे में निष्कर्ष बनता है, इन्फ्लुएंसेस जो है, ये तो जीते समय देखने से ही आता है ना। मतलब फिर यदि वो प्रैक्टिकल, जो प्रैक्टिकल हमने पढ़ा वो जीने से जुड़ा है तो वहां जुड़ेगा, नहीं तो नहीं जुड़ता है। तो परंतु यदि यहां देखें तो आज के दिन फिजिक्स केमिस्ट्री, कार बनाना, स्टॉक मार्केट में कैसे रहना, ये सब परंपरा बना के रख लिया आदमी ने, है ना। मतलब शिक्षा और व्यवसाय का परंपरा को बना के रखा है, परंतु जो व्यवहार और जो जिंदगी जीने वाले जो परंपराएं थे वो खत्म हो गए लगभग। तो एक तरफ गेन हुआ तो दूसरी तरफ लॉस तो हुआ ही। भैया जैसे एक बात ये भी तो आती है कि जैसे अभी हम सभी लोग थोड़ा इमोशनल भी हो रहे हैं उस पॉइंट पर कि हम अपने बच्चे के लिए क्या कैसे अच्छा करें उतना नहीं समझ पाए, तो उससे पहले ये बात भी आती है कि हम खुद भी तो समझे हुए नहीं रहते हैं। तो उधर हम जब खुद की अपनी जिंदगी के लिए कोई हमारी प्लानिंग उतनी स्पष्ट नहीं होती है कि हमें जीवन में क्या करना है, या इवन हमें ये भी नहीं पता होता प्रश्न के रूप में भी कि हमारा जीवन ही क्यों है, जैसे हम क्यों इस धरती पर आए हैं। तो जब इतनी स्पष्टता एक मानव को अपने लिए भी नहीं होती है जिस समय तक, जिस टाइम तक, अभी तो हम अध्ययन में आए हैं तो हमें तो ये प्रारूप बहुत ही अच्छे से दिख पा रहा है, तो उस वक्त तक जब तक हम खुद उस एक अंधेरे वाली चीज में होते हैं तो हम क्या ही सोच पाते हैं कि आने वाला जो एक नया जीवन है उसको हम क्या दिशा दे पाएंगे। क्योंकि जब हमारा खुद का अपने, क्योंकि मैं भी एक मानव हूँ, मेरा खुद का समझ में आता है मुझे कि मैं क्यों हूँ इस धरती पर, तो मुझे उस बच्चे का भी लक्ष्य उसका व्यवहार समझ में आएगा। जैसे अभी आप और हम सभी जो बात कर रहे हैं, ये पूरा कार्यक्रम एक ही चीज के लिए, वो है आचरण की निश्चितता, और वो अध्ययन विधि के बाद आती है और पूरा अनुभव के बाद मानव निश्चित हो पाता है अपने व्यवहार में।
फिर वो हर चीज में। तो जब मुझे ये समझ में आया कि मानव का जो आचरण है वो निश्चित होगा, ये एक बहुत बड़ी घटना है और ये अनुभव के बाद होगा, तब जाके मैं सोच सकता हूँ कि आने वाला जो बच्चा होगा मैं उसको कैसा आचरण दे पाऊंगा। तो ये भी एक आस्पेक्ट है। तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि हम जो गिल्ट में जा रहे हैं उसमें ये भी सोच सकते हैं कि हमारे पास सही वस्तु थी नहीं तो हम कैसे सोच सकते हैं। नहीं, आप सही बोल रहे हैं। दुख तो हो रहा है मासी जी, जो भी दुखी हुए मुझे अच्छा नहीं लगा इसलिए। नहीं, ये बात तो सही है, क्योंकि अच्छा फाइनली कोई भी जिसको समीक्षा बोलते हैं, विच इज काइंड ऑफ इन्फरेंस है ना, एनालिटिकल इन्फरेंस कोई भी चीज पे, वो किस चीज के लिए है कि ताकि हमारे सामने सहीपन को समझने के लिए जगह बने, उसकी इच्छा बने, क्योंकि ये सारी कमियां हैं। तो ये कमियां जो हुई तो सो हुई है ना, जैसे आप कह रहे हैं अनजाने में हुए, आई कांट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द रॉन्ग्स इन द वर्ल्ड है ना, सारी को थोड़ी मैं जिम्मेदारी हूँ, उसका अपराध मैं कैसे ले जाऊं साथ में, संभव ही नहीं है। अभी जहां पर खड़े हैं वहां से कुछ प्रारंभ कर सकते हैं, भले ही हमारे बच्चे छोटे हों बड़े हैं, तो हम कुछ कर नहीं पाए ये बात तो ठीक है, बट कम से कम करना क्या सही है ये तो हमारे अंदर चले जाए, ताकि कम से कम उनका यदि बच्चा होता है, जब आपके पोते पोतियां हो जाएंगे, यू विल बी बेटर प्रिपेयर्ड, नंबर एक। आई मीन इफ योर सन और डॉटर अलाउज यू टू टीच देम, तो ये वाला है। दूसरा, कुछ यदि समाज में कुछ उपयोगी हम करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास सामर्थ्य आ सकता है, और ये सब करते हुए यदि हम जीवन जागृति की ओर, जिसका अंतिम चरण अनुभव है जो आपने रखा, तो जीवन जागृति की ओर यदि ये सब करने से हम अग्रसर होते हैं, तो हमारे अंदर ये कुछ निष्कर्ष, कुछ जो गुणात्मक परिवर्तन हमेशा के लिए हो जाएगा, दैट इज बेनिफिशियल, बिकॉज देन आई एम बेटर प्रिपेयर्ड नेक्स्ट टाइम, है ना। क्योंकि जीवन हम आगे देखेंगे अध्ययन में, अमर है, मरता नहीं है, whether we like it or not, दर्शन ये कह रहा है ना, whether you accept it or not and whether you like it or not। बहुत लोगों को अच्छा ही नहीं लगता है कि वापस आना है, वो आइडिया ही है ना एलियन है, ऐसा साइंटिफिक माइंड सेट में भी बोलेंगे तो होकस पोकस बोलेंगे, कुछ नहीं होता है, ब्रेन के साथ सब मर जाता है, दर्शन बोलता है टेक इट और लीव इट, उसके लिए कारण बताता है, उसके लिए कुछ अभ्यास भी बताता है, उसके लिए तर्क बताता है। तो हम अभी प्रारंभ करने से फिर ये प्रश्न बनता है कि क्या होगा, क्या मिलेगा हमको, हमारे अंदर ये इस प्रकार के गुणात्मक परिवर्तन होता है जो एक स्थायी प्रभाव छोड़ता है हमारे अंदर, संस्कार इंप्रेशन के रूप में। सो नाउ आई एम अक्यूमुलेटिंग समथिंग फॉर एवर, समझ के साथ क्या है, मैं जो अभी एक्यूमुलेट कर रहा हूँ ये फॉर एवर, यदि वो समझ वाली जगह में पहुंचता है। भाषा याद नहीं रहती, क्योंकि आज हम कुछ पढ़ते हैं 10 दिन में भूल जाते हैं, हम जो कॉलेज में पढ़े थे अभी याद नहीं रहेगा, बट कुछ उसके निष्कर्ष या इंप्रेशन हमारे साथ रह जाते हैं, ये मुख्य बात। बाकी जो भी मैं करता हूँ, कुछ बहुत शॉर्ट टर्म होता है, कुछ मीडियम टर्म होता है, कुछ लॉन्ग टर्म होता है, ऐसे बच्चों को बड़ा करना, उनको सेटल करना, उनकी विवाह होके पोता पोती देखना, हर मानव ये चाहता है, गरीब हो अमीर हो, दुनिया का सबसे धनाढ्य व्यक्ति हो, ये लॉन्ग टर्म एक व्यू। मीडियम टर्म क्या है, है ना भाई, हम सेटल डाउन हो जाए, आर्थिक रूप से सेटल डाउन हो जाए, ये सब ऐशना या कामना के रूप में रहता है, मैं कुछ समझ लूं, इन पुस्तकों को पढ़ लूं, कुछ इमीडिएट टर्म होता है और कुछ तुरंत वाला होता है। तो हम तुरंत वाला ये करके इस मान्यता के साथ करते हैं कि वो लॉन्ग टर्म वाला पूरा हो जाएगा, निरंतर वाले पर हमारा ध्यान नहीं रहता, am I taking back or am I accumulating something forever, ये जनरली रहता है, जनरली हो सकता है किसी में हो। तो यहाँ पर जो वस्तुएं हैं वो हमको उस दिशा में मदद करेंगे, इसीलिए इसमें उत्साहित होने का ही कारण बनता है, बिकॉज नाउ यू स्टार्टेड, इसके पहले भी नहीं पता था कि चालू कर क्या करना है, ठीक है। अगला मूल्य गौरव है, ग्लोरी, यहां पर इंग्लिश में परिभाषा दिया है, बट बेसिकली इसका तात्पर्य क्या है,
सामने वाले व्यक्ति में श्रेष्ठता, जिसमें समाज आचरण में श्रेष्ठता को देखते हुए मैं वैसे बनने के लिए तत्पर होता हूँ, इसका नाम है गौरव। सो इट डजंट लीड टू जेलेसी, समबडी एल्स डूइंग वेल, है ना, यदि वो स्पर्धा है। तो हम सभी लोग समाधान या सुख और समृद्धि पूर्वक जीना चाहते हैं, और हमारे पहले से जिन लोगों ने इसके लिए प्रयत्न किया और उसमें जो भी सफलता पाई, जब उनको हम देखते हैं या उनका स्मरण करते हैं तो अच्छा लगता है, कितने अच्छे लोग हुए मेरे पहले, तो उसके प्रति जो भाव है इसका नाम है गौरव। यहाँ पर लिखा है, ग्लोरी और गौरव इज द फीलिंग फॉर समवन पास्ट और प्रेजेंट दैट हैज मेड एफर्ट्स फॉर अंडरस्टैंडिंग, है ना, ये सब रियलिटी, और इसमें कुछ सफलता भी प्राप्त हुई रहती है, तो ये हमको अच्छा लगता है। वो जो अच्छा लगता है हमको वो सोचने से, वो अच्छा लगना ही गौरव का भाव। फिर आठवां भाव है श्रद्धा, रेवरेंस। तो श्रद्धा का मतलब क्या है? श्रद्धा होने से हम, हाँ बोलिए भैया जी, एक क्वेश्चन था बस कि जैसे अभी हमने वात्सल्य जैसे पढ़ा, तो जैसे अगर मान लीजिए किसी बुजुर्ग व्यक्ति की हम सेवा करते हैं, या हमारी वो दादी माँ या हमारी नानी माँ हो सकती हैं, तो क्या हम क्योंकि उनकी सेवा कर रहे हैं तो हम उनके साथ वात्सल्य, मतलब वात्सल्य भाव के साथ हैं, क्योंकि हम बच्चे की तरह उनकी सेवा कर रहे हैं? हाँ, पर जो शरीर का सेवा यदि हो रहा है तो ममता भाव हो। अच्छा, ममता वात्सल्य, फिर क्या इसमें वात्सल्य नहीं आ पाएगा? आ सकता है क्षणिक रूप में, यदि वो बुजुर्ग लोग हैं और उनको हमारी बातें अच्छी लग गई तो वात्सल्य भाव भी आ सकता है, बट वो वात्सल्य भाव सफल होने के लिए उनमें भी वो स्वीकृति होनी चाहिए। हाँ, एक है कि मेरे में भाव प्रकट होता, मैं अपने नानी दादी कुछ भी बुजुर्ग को देखता हूँ, अरे यार इसको इतना जिंदगी जिया, इतना अच्छा आदमी है, मुझे इसको ज्ञान के बारे में कुछ बताना चाहिए, मुझे इतनी अच्छी, जैसे हमारी रानी का शरीर शांत होता रहा, मेरे सामने ही हुआ, मेरे नाना जी को मैंने मान लिया कि मैं इनको कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि एक तो उनको काम सुनाई नहीं देता था और वो एकदम भयंकर कट्टरपंथी, तो और लास्ट में उनको फिर बात पकड़ने भी नहीं आती, ही वाज क्वाइट सिक। नानी को मैंने इतना ही बोल दिया कि मरने के बाद तुम बने रहोगे, मुझे लगा ये उनके लिए एक अच्छा संस्कार, तो वो सुनी बस, और लास्ट स्टेज में जब वो रिएक्ट भी नहीं कर पाती थी, बट उनको सुनाई दिया। तो वात्सल्य भाव हमारे में बनना एक चीज है, उसको रखने का अवसर भी चाहिए और सामने वाले में उसकी स्वीकृति भी चाहिए, बड़े बुजुर्ग लोगों, जैसे अभी मेरे माता पिता, वैसे ठीक है मेरे पिताजी 75 के हैं, कुछ एलिमेंट्स हैं, मेरी माँ 70 की है, या 67 की है मेरी माँ, 67-68 की, मैं अभी उनको जाके कुछ समझाने चाहूंगा दोनों भाग जाएंगे, तो क्या वात्सल्य नहीं कर सकते? तो उस संबंध में ऐसा स्वीकृति चाहिए, तभी वात्सल्य संभव है व्यक्त करना, ये तो आप में बीज रूप में रहेगा, आप में इच्छा के रूप में रहेगा कि मैं बताऊं, बट यू नेवर बी एबल टू एक्सप्रेस इट। मान लेता आपका बेटा और बेटी 25 वर्ष के हो गया, अब हो सकता है आपकी बात सुने, हो सकता है वो नहीं सुने, आपसे अच्छा कॉलेज में भी पढ़ लिया हो, तो लगता मुझे इनसे ज्यादा आता है, अधिक आता है, मैं क्यों सुनूं उनकी बात, और अभी का पूरा एक जनरेशन ही ऐसा निकलता, मैं भी लगभग उसी जनरेशन का, तो वो माँ बाप से सुनना तो लास्ट बनता है, कैसे सुनेगा? ठीक है जी भैया जी, बिल्कुल ठीक है। तो श्रद्धा का मतलब मैं गुरु जैसे बनने के लिए मेरे में भाव एक बनता है, उसका नाम है श्रद्धा, या श्रद्धा वो भाव है जो शिष्य गुरु, जो शिष्य में गुरु के प्रति अनुभव होता है, तो श्रद्धा के साथ वो समर्पित होता है विद्या के लिए, सो इट इज अ वेरी, किसी वेरी हाई वैल्यू। अभी क्या होता है, अभी हमारे यहाँ बोलते हैं डेढ़ शाना, मतलब स्मार्टनेस जो है स्टूडेंट्स का जल्दी अधिक हो जाता है, फिर उनको लगता है मैं टीचर को पार करके निकल जाऊं, ये तो यहीं पर फंसा है, मैं इससे बड़ी नौकरी ले लूं, या अलग होने का प्रयत्न करता है। तो यहाँ पर एक डिफरेंस है कि जो श्रेष्ठता है और विशेषता है,
इसमें अंतर। तो श्रेष्ठता जो है सभी व्यक्ति श्रेष्ठ हो सकते हैं, निरपेक्ष एब्सोल्यूट, एवरी ह्यूमन बीइंग कैन हैव दिस, विशेष ओनली सम कैन बिकम स्पेशल। तो अभी हमारी जो पूरी मानसिकता है, नॉट जस्ट इन एजुकेशन बट समाज में भी, एंड इट हैज बिकम डीप रूटेड इन अस जीव चेतना के कारण, इज टू गेट अहेड ऑफ द अदर, एंड वेयर एवर वी गो वी विल ऑलवेज फाइंड देयर इज गोइंग टू बी समबडी अहेड ऑफ मी। ये मजे की बात। तो ये एक दिक्कत आ जाती है, तो विच डजंट अलाउ अस टू गेट द श्रद्धा, फिर वो एक ऑपोजिशन विरोध का ही भाव आता है इससे आगे निकलने का। तो जब हमारे में श्रद्धा या रेवरेंस रहता है तो हम पूज्यता से भर जाते हैं, तो वर्शिप का नाम पूज्यता है। तो पूज्यता का मतलब मैं स्वयं श्रेष्ठ होने के लिए जो प्रयत्न करता हूं श्रद्धा के पूर्ति के लिए, उसका नाम है पूज्यता। ये है पूजा करना, वेनरेटिंग और वर्शिपिंग। तो इट इज नॉट जस्ट होप फॉर गुड विशेस एंड एक्सटर्नल असिस्टेंस, है ना, बाहर से कुछ मिल जाएगा। हम पूजा करते हैं, अभी पूजा करते हैं भय से, अभी जो जिसको पूजा बोलते हैं ना, देवी देवताओं का श्राप मिलेगा या अनुग्रह नहीं मिलेगा। ये भारत में काफी प्रचलन में है पूजा, इस विधि का पूजा। तो ये ठीक है, एक स्टेप स्टार्टिंग स्टेप के रूप में ठीक है, परंतु हमारे अंदर यदि कोई चेंज होना है तो उसके लिए हमको तैयार होना पड़ेगा। सो आई हैव टू एक्टिवली वर्क फॉर दिस क्वालिटेटिव चेंज इन माई सेल्फ, है ना, एंड उसको करने के लिए हम प्रयत्न। तो एक तो मुझे अपने में स्वीकृति भी चाहिए, आवश्यक है, तथा ऐसे होने के लिए मैं प्रयत्नशील भी रहता हूं, तो मैं उनको फिर कॉपी करना शुरू करता हूं, अनुकरण अनुसरण करता हूं। आज क्या होता है, आज हम आउटसोर्स कर देते हैं हमारी जागृति को, काफी कॉमन है भारत में, मंदिर गया नारियल फोड़ दिया तो हो गया काम, कुछ हो जाएगा। तो स्वयं में समझ और स्वयं में गुणात्मक परिवर्तन बहुत ही नगण्य लोगों में ये प्रवृत्ति दिखती है, क्योंकि जैसे हमने पहले भी कहा, जीव चेतना में बाहर कुछ करने और बाहर से चीजों को एक्सटर्नल वर्ल्ड से प्राप्त करने की प्रवृत्ति ऑटोमेटिकली रहती है, जिसको आगे हम जाकर और अच्छे से अध्ययन करेंगे, जब जीवन का अध्ययन करेंगे। तो जो परावर्तन क्रिया है, दो क्रिया, एक गति में परावर्तन, एक स्थिति में प्रत्यावर्तन। प्रत्यावर्तन समझने वाली क्रिया है या मूल्यांकन वाली क्रिया है, परावर्तन बाहर प्रभावित करने वाली क्रिया है या बाहर से प्राप्त करने वाली क्रिया। अभी हमको बाहर का अधिक अभ्यास रहता है, जीवन में भी शिक्षा में भी। ये सातवां मूल्य था। आठवां मूल्य है कृतज्ञता। तो कब कृतज्ञ होऊंगा, जब मैं देखता हूं कि किसी से मुझे अपने जागृति या विकास के लिए मदद मिला और उससे मुझ में कुछ हुआ, मुझ में कोई सफलता प्राप्त हुई, तब मैं कृतज्ञ होता हूँ। बाकी फिर बोलने के लिए बोलते हैं थैंक यू तो अभी हर चीज के लिए बोलते हैं, किसी में पानी का ग्लास दे दिया तो थैंक यू बोल देते हैं, परंतु बिना श्रद्धा का आगे जाके कृतज्ञता होगा भी नहीं, क्योंकि श्रद्धा होने से हमने ये स्वीकारा कि इनसे हमको मिलने वाला मदद। तो श्रद्धा एक्चुअली वेरी हाई वैल्यू, और उसके फलन में हमने प्रयत्न किया, उस प्रयत्न हम सफल हुए, जो भी सफलता का स्तर होगा, तब हमारे अंदर कृतज्ञता का भाव होता है कि मुझे इनसे मिला। तो आज तक इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल है। साउंड ठीक है? हेलो भैया, ठीक है भैया, बीच में डिप हुआ था। तो कृतज्ञता होने के लिए मुझ में कोई वो परिवर्तन दिखना पड़ेगा और मेरे अंदर ये स्वीकृति आती है कि मुझे लोगों से मदद मिला, ये हाईएस्ट उसका पॉइंट। बिल्कुल प्रारंभिक क्या है भाई, हमारे पास जो है और हम आज जो हैं और जिन चीजों का उपयोग करते हैं उसको यदि हम लिस्ट बनाएंगे तो इतनी लंबी लिस्ट है, तो इन सभी के प्रति कृतज्ञ होना बनता ही है ना। तो भोजन से लेकर, नमक से लेकर, बिजली से लेकर ना, कपड़े का साबुन कोई बना रहा है,
कोई आदमी हमारे घर में धोता भी होगा या मशीन धो देते, तो मशीन का डिजाइन किसी ने बनाया, उसको रिपेयर कोई कर रहा है, वेरी लॉन्ग लिस्ट जो हमारे आज के दिन जो सिटी या शहरी जीवन में नगर, शहर को नगर बोलते हिंदी में, तो ये कृतज्ञता फिर इन सभी लोगों के प्रति पढ़ने सीखने से लेकर, तो जिन्होंने हमको पढ़ाया सिखाया तथा समझाया, है ना, पढ़ाया मतलब रीडिंग इंफॉर्मेशन, सिखाया स्किल्स जो भी हमारे पास निपुणता है, तथा समझाया अंडरस्टैंडिंग जो तीसरा वाला था, ये तीनों के प्रति हमारे मन में फिर जो भाव बनता है इसका नाम है कृतज्ञता। ठीक है, अगला मूल्य है, अभी इस यहाँ तक कुछ बात होनी है, कृतज्ञता भैया अभी आपने कहा कि हम आज हर चीज के लिए थैंक यू बोलते हैं, बट अभी क्योंकि हमें ओवरऑल कृतज्ञता नहीं समझ में आ रही, बट ये थैंक यू भी एक फॉर्म ऑफ ग्रेटिट्यूड ही है। हाँ ठीक है, वही मैंने ये नहीं कहा कि थैंक यू कहना गलत है, मैंने कहा थैंक यू को बड़े आसानी से बोल देते हैं, जबकि थैंक यू बहुत बड़ी वैल्यू भी हो सकती है, उसका रेंज बहुत लंबा है, ये कहने का तात्पर्य। ठीक ठीक भैया जी, एक बात कहनी थी मुझे, कृतज्ञता मैं आपसे पूछनी थी, जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी संबंध में दायित्व में होते हैं, जैसे ये मेरा कर्तव्य बनता ही है कि मैं ऐसा करूं, और वहां पर जब हम अपने किसी दायित्व को निभा रहे होते हैं तो हम अपेक्षा करते हैं कि हम थैंक यू और सॉरी ना बोले, तो वहां पर कृतज्ञता को फिर हम कैसे देख सकते हैं? फिर तो हमें ऐसा लगता है कि अगर हमने थैंक यू बोला या सामने वाले ने थैंक यू बोला या सॉरी बोला, तो हमें लगता है कि ये क्यों फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं, या ऐसा भी लगता है कभी कभी कि शायद संबंध उतना पक्का नहीं है, उतना गहरा नहीं है कि उन्हें थैंक यू बोलने की जरूरत पड़ रही है या मुझे जरूरत पड़ रही है कि मैं सॉरी बोलूं, तो इसको कैसे देख सकते हैं कृतज्ञता? हाँ, तो ये तो कृतज्ञता का भाव होना तथा उसको व्यक्त करना, ये दोनों अलग चीजें हैं। तो भाव हो और फिर आवश्यक नहीं है कि हर समय हम उसको व्यक्त करें, इट इज अंडरस्टूड। तो अभी क्योंकि मानव के सभ्यता में, सिविलिटी में ये आ गया है कि अनजान लोगों से या कम पहचान लोगों से जब मिलता है हम धन्यवाद करते रहते हैं, है ना, तो ये एक अभ्यास में आ गया, इसीलिए जब इसको हम निकट संबंध में करते हैं तो वहां लगता है कि आप वो भारी आदमी जैसे मेरे साथ व्यवहार कर रहे हो। जैसे मुझे याद है हम जब छोटे थे तो मेरे बगल में एक लाल रहते थे, लाल मतलब वो सरनेम लाल था उनका, पंजाबी थे, तो उनके घर में उनके बच्चे उनके माँ बाप के कमरे के अंदर घुसने के पहले नॉक करना पड़ता और पूछना था मैं है कमे, मैं बचपन में देखा उसको, मुझे वो बड़ा अटपटा सा लगता था, हमारे घर में मेरे पिताजी के रूम में घुसने ये सब करने की आवश्यकता नहीं महसूस होती थी। फिर बाद में कई वर्ष बाद मैंने कोई इंग्लिश मूवी देखी तो उसमें देखा, उसमें भी ऐसे ही करता हुआ लड़का, यदि कोई बहुत अमीर आदमी का घर है, फिर पता चला कि उस कल्चर से आता है, तो ये फॉर्मेलिटी में सबसे ऊपर फिर ब्रिटिशर्स को मानते हैं, टाइट अपर लिप बोलते हैं उसको, दे वेरी पर्टिकुलर। तो ये सब तो आई वुड से वो है, माने कस्टम्स है ना, परंतु बहुत निकट संबंधों में इसकी आवश्यकता नहीं है, इट इज अंडरस्टूड की कृतज्ञता है, कभी कभी बोलने से अच्छा भी लग जाता है, पर जैसे मैं अपने गुरु के साथ अपना समय सोचता हूँ तो मुझे प्रतिदिन उनके प्रति कृतज्ञ होने की आवश्यकता नहीं पड़, बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, मैं तो एक बार अभी तक मुंह से बोला भी नहीं धन्यवाद, इट सीम टू लाइट स्टेटमेंट, मुझे लगता है उससे अधिक उनको भाव कम्युनिकेट हुआ ही होगा, बट कई बार सामने वाले व्यक्ति को बोलने से उनको अच्छा लगता है, घर के अंदर भी, माँ बाप को भी, बूढ़े होते होते माँ बाप के मन में हमारे अंदर हो सकता है भाव, हमने व्यक्त नहीं किया, तो व्यक्त करने से उनको अच्छा लगता है, उनको लगता है इतना बड़ा किया हमने, इतना सब किया, ये कुछ इसमें कुछ है भी कि नहीं, कभी बताना पड़ता है कि यार तुम बहुत कुछ किया, उनको अच्छा लगता है घर में, कभी हो सकता है अपने पत्नी को भी बोलना पड़े, ठीक है, तो ये आवश्यकता के अनुसार हम करेंगे, ये है जी भैया जी, बिल्कुल।
या कृतज्ञता को और प्रिसाइजली देखने के लिए हमें घटनाओं पे ध्यान देना पड़ेगा, या हमारे साथ जो घटना घटी है, मतलब जिस तरह से हमारे ऊपर मतलब जो हेल्प हुई, मदद मिले हैं, उसको बार बार याद करना पड़ेगा, या कैसे होगा कृतज्ञता और ज्यादा गहरी बनाने के लिए? ये मुझे लगता है कि हम कृतज्ञता का प्रारंभ कहाँ से होगा, इसी से होगा जब हम ये सोचते हैं, इन चीजों पर ध्यान देते हैं कि हमको किन किन से क्या क्या मदद मिला, फिर हम ये शोध कर सकते हैं कि हमारा उनके प्रति क्या भाव, फिर इस परिभाषा और यहाँ पर जो भी चर्चाएं हो रही है उसको भी सोच के देखा जा सकता है। इन दोनों के योगफल में हमको अच्छा लगेगा, उसका नाम है कृतज्ञता का प्रारंभ होना, कृतज्ञता का भास होना, ये अच्छा लगता है। इट इज अ सोर्स फॉर माई हैप्पीनेस। सबसे बड़ी बात क्या है, ये मूल्य कोई फॉर्मेलिटी तो नहीं है या कोई कंपल्शन तो नहीं है कि कृतज्ञ होना ही है, तो कृतज्ञ होने से अच्छा लगता है, यू विल बी मोर इट इज, है ना, आपका सुख का जो दायरा है ये बढ़ेगा। The things that will give you happiness will increase. So why not have it? तो इसका मतलब है भैया, the base मूल्य start from कृतज्ञता। हाँ, ये भी, ये जब अध्ययन के दृष्टि से देखेंगे तो बेस मूल्य कृतज्ञता से ही प्रारंभ होता है ना, और जब मानव के साथ संबंध कहां से जुड़ा है इसको जब देखने जाएंगे तो विश्वास से प्रारंभ होगा। विश्वास ही नहीं है तो कृतज्ञ होने की संभावना ही नहीं है। तो विश्वास से प्रारंभ होके हम कृतज्ञता तक पहुंचते हैं, फिर कृतज्ञता से एक नई जर्नी हमारी शुरू प्रारंभ होती है, ना, आगे और विकसित होने के लिए श्रद्धा और कृतज्ञता से। तो भैया मुझे लग रहा है कि मुझे, हमें बार बार उस पर ध्यान देना पड़ेगा कहाँ कहाँ मदद मिली है, तभी तो कम से कम जो मूल्य कृतज्ञता का विश्वास के बाद पहले आएगी। बिल्कुल बिल्कुल, ध्यान तो करना ही पड़ेगा जी, सोचना ही पड़ेगा अभी भी कहाँ से मिलता है, अभी तक कहाँ से मिला है। उसके लिए कुछ प्रैक्टिस? कुछ नहीं, आप बैठ के लिस्ट बनाइए, मन से कर लीजिए, आपको लिख के करना है कीजिए, आजकल वीडियो रिकॉर्डिंग आ जाए, आप अपना एक वीडियो बना लीजिए, ऑडियो बना लीजिए, बचपन से लेकर अभी तक क्या क्या मदद मिली है, जो बड़े वाले हैं जो मुझे याद है ना, या जाने अनजाने में एक आदमी ने मदद कर लिया, किसी ने कुछ बोल दिया, उससे हमको कोई चीज मिली जो बहुत मूल्यवान निकली बाद में, है ना, या कोई टीचर था बढ़िया ढंग से पढ़ाया, उससे हमारा सब्जेक्ट में मन लगा, उससे हमारा नंबर अच्छा आया, जॉब मिल गया, तो कोई आर्थिक स्थिरता मिली। अनजान रूप में तो बहुत सारे लोग हैं, कोई एक डॉक्टर रहा होगा, उसके पीछे कोई नर्स है, कोई कंपाउंडर है, सबने मिलकर मदद की, तो इसको तो एक बार कई या दो चार बार तो सोचना ही चाहिए। एक बार सोच लेते हैं तो चित्र हमारे अंदर बैठ जाता है, फिर जब भी हम बात देखते हैं तो ये सारी चीजें अपने आप दिखेगी, यदि वो हमारे अंदर स्वीकार होगी तो, जो जनरल है ना, सामान्यकरण, सामान्य रूप से जो है हमारे। तो भैया कहना मतलब मोटे मोटे पॉइंट्स रहेंगे, जहां से जन्म मिला, ठीक है ना, जहां से शरीर यात्रा शुरू हुआ और ग्रोन अप हुए, उसके बाद में मुझे आर्थिक स्थिरता तक मिली, और अभी के आगे जहां तक बच्चे या वाइफ जब तक मिली, और आगे अभी जो भी हो रहा है, तो सर्वप्रथम सारे मोटे पॉइंट्स पे हमें ध्यान, तो शरीर को इतना बड़ा रख के इतने दिन देखभाल करने के लिए माता पिता, यदि उसके डिटेल को सोचेंगे तो माता पिता के प्रति कितने बनेंगे ही हम, एंड वो सबसे अधिकांश लोग यही बोलते हैं, हम माता पिता बनने के बाद ही ये सेंस बनता है, ये संभावना बनती है कि मेरे पेरेंट्स ने कितना किया होगा, उसके बाद भी लोग उसको ध्यान नहीं देते हैं, है ना, तो ये सब ध्यान ही देना है। फाइनली देखिए, जागृति वास्तविकताओं पर ध्यान देने से ही होने वाला है ना, आप और मेरे बीच और कोई ट्रांजैक्शन तो हो ही नहीं रहा है, केवल मात्र ध्यानाकर्षण ही हो रहा है, वो वास्तविकताएं हैं जिसको हम नहीं देखते हैं, क्या हमने अन्यथा मान लिया है, कम मान लिया, अधिक मान लिया है, उसको या तो देख पाना या जो सही हमने मान लिया उसको सही कर पाना, यही जागृत होने का मतलब। तो समाधान इसी विधि से होगा, उसमें और कोई अलग से कोई चीज हमको अंदर, हमारे अंदर लेने की आवश्यकता नहीं है, पोटेशियम, सेलेनियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज कुछ खाने की आवश्यकता नहीं, देयर इज नो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग या भाव। भैया कृतज्ञता की जब बात आती है, तो अभी हमने जो अभी इतनी सारी बात की, वो मानव के साथ देखा हमने कृतज्ञता को, क्या कृतज्ञता को हम और तीन अवस्थाओं के साथ भी देख सकते हैं?
कि जिस तरीके से अगर मैं एक पेंसिल से लिखती हूँ तो वो पेंसिल किस तरीके से मेरे लिए उपयोगी है और मैं अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर पाती हूँ, तो क्या उस पेंसिल के प्रति भी कृतज्ञ होना बनता है? नहीं, आप ट्राई कर सकते हैं, बनेगा नहीं। पेंसिल की उपयोगिता मतलब पेंसिल को जिस आदमी ने बनाया वो उस मानव के प्रति भाव है, तो ये भाव को संबंध मूल्य कहा है, तो ये मानव मानव के बीच संबंध में ही मिलेंगे हमको, है ना। बाकी जगह हम पूरकता को देख सकते हैं। ओके क्योंकि देखिए ये कृतज्ञता का भाव मिला कैसे, किसी में कर्ता पद होना चाहिए ना, somebody has done something for you। पर जैसे आम का पेड़ है, आम का पेड़ इज नॉट डूइंग एनीथिंग, आम का पेड़ आम के पेड़ के रूप में बना हुआ है एंड हम उसका उपयोग कर रहे हैं, तो आप उस व्यक्ति के प्रति कृतज्ञ हो सकते हो जो उस आम के पेड़ को बचा के रखा या जो तोड़ के आपके घर तक पहुंचा रहा है। बढ़िया, है ना। बट आम का पेड़ इज नॉट डूइंग एनीथिंग, उसमें कर्ता पद नहीं है। तो ज्ञान अवस्था की इकाई मानव में ही दृष्टा कर्ता और भोक्ता है, आम में चैतन्यता नहीं। इसके मतलब नहीं है कि आम के प्रति मैंने उसका देखभाल नहीं करेंगे, वो प्राण अवस्था की इकाई है जी, है ना, तो उसके प्रति हमारी पूरकता को हम पहचानेंगे आगे देखेंगे उसको। जी भैया, तो कहने का मतलब कृतज्ञता का मूल्य मानव के संबंध में ही है, और अगर हम तीन इकाइयों की बात करें, वो जो तीन अवस्थाओं की जो चीजें हैं उनके प्रति पूरकता के संबंध को देख सकते हैं और उनका हम उपभोग करते हैं, वी कंज्यूम देम। ठीक बात है ना, तो यू डोंट ईट समबडी, और आपका मेरे प्रति कृतज्ञता आप मुझे खा जाएंगे ऐसा तो नहीं होगा ना। नहीं तो मैं आपको खा गया फिर बोलता मैं तुम्हारे प्रति कृतज्ञ हूँ, आ मेरी सोच बता वाह बेटा तू मुझे खोल के खा लेता, उसके बोलता है कृतज्ञ हूँ, है ना, क्या मतलब हो उसका। सो वहां उपभोग है, यू कंज्यूम। जी भैया, नहीं इससे भी अच्छा, ये अच्छा लगा जो आपने कहा ना, आम के पेड़ में आम कुछ कर नहीं रहा है, वो अपनी जगह पे बना हुआ है, तो ये आम के पेड़ को जिस भाईजान ने उनका ध्यान रखा उनके प्रति हम कृतज्ञ हो सकते हैं, तो एकदम से कर्ता वाला जो पक्ष है उससे कनेक्टिविटी मानव के साथ ही फिर बनती है। इसीलिए इसको अस्तित्व दर्शन कहा है, देखिए नाम बहुत सुंदर इसका दर्शन में, इट इज कॉल्ड अस्तित्व दर्शन ज्ञान, नेचर जैसा है अस्तित्व जैसा है उसका अध्ययन, इसीलिए इसका एक सूत्रता में उत्तर निकलते जाता है विदाउट एनी, यदि पकड़ ठीक है व्यक्ति की, बताने वाले व्यक्ति की, तो बिल्कुल ही कहीं भी थ्रेड टूटता हुआ नहीं दिखता है, नहीं तो लगता है कि इतना सारा भाषा तो लोग पहले भी लिखे ही नहीं, जब वो कम्युनिकेट होता है उसकी पूरी स्ट्रक्चर दिखते तो आदमी चमत्कृत होता है, मैं तो बहुत चमत्कृत हुआ दर्शन का जब स्ट्रक्चर पहले देखा तो आई वॉज फ्लैबरगास्टेड, है ना, कि ऐसा कैसे किसी आदमी ने कर दिया, मेरे साथ तो ये हुआ। तो आगे का मूल्य पूर्ण मूल्य है प्रेम, तो प्रेम जो है ये एक कंबाइंड सिंथेसाइज मूल्य है जिसमें सारे मूल्य समा जाते हैं, जिसमें कोई भेदभाव नहीं रहता है, तो ये जागृति के अंतिम सोपान के रूप में हमको दिखेगा या मिलेगा। यदि हम ये पूछें मेरे में प्रेम कब मिलेगा, तो सारे मानव को एक संबंध के रूप में देख पाना, उसके बारे में हम विश्वास के लिए भी बात की है, संबंध के आधार के रूप में भी। अच्छा मुझे लगा वो गोल हो गए, वो अभी है ठीक। तो इसको हमने विश्वास में भी बात किया, संबंध के आधार के रूप में भी बात किया कि प्रत्येक मानव के प्रति दूसरे का संबंध है ही, तो मैं आपके बगल में आके खड़े हो जाता हूं तो आप इस बात से वो हो जाएंगे, सतर्क हो जाएंगे कि सामने, या सजग हो जाएंगे कि एक आदमी है, और सतर्क हो जाएंगे कि इसके साथ मैं क्या करूं। अस्तित्व ये कह रहा है कि आपको उसके साथ प्रेम ही करना पड़ेगा, दूसरा चॉइस नहीं है, हमारा सुख उसके साथ प्रेम करने में ही है, whether you like it or not। और उस प्रेम होने के क्रम में विश्वास, सम्मान, ममता, स्नेह, ये सारे पायदान है, they're all, you know, stages to get to प्रेम। ठीक है, तो हमारे में जब ये प्रेम का भाव आता है, या हम कब आता है, जब हम
पूरे मानव जाति को एक अखंड समाज के रूप में, विश्व परिवार के रूप में हम देख पाते हैं और विश्व परिवार के रूप में हम पहचान पाते हैं। हमारे अंदर ये निरंतरता के लिए स्वीकृति बन जाती है, तब इसका नाम है प्रेम। फिर प्रेम पूर्वक हम प्रत्येक संबंध में प्रस्तुत रहते हैं या प्रस्तुत होते हैं, तो इसको पूर्ण मूल्य कहा है ना। तो ट्रस्ट को, विश्वास जो है ये आधार मूल्य है, और प्रेम को पूर्ण मूल्य का है संबंध में। ठीक, फिर यहां पर आई मीन ऑल्सो फॉर यंगस्टर्स इट्स एन इंपॉर्टेंट वन, तो इसको रखा ही है। आज हम लव या प्रेम को क्या बोलते हैं, किस चीज को प्रेम मानते हैं, एक पर्टिकुलर स्पेशल इंपॉर्टेंस को हम प्रेम मानते हैं। ये जो होता है आई एम यूजुअली यहाँ लिखा भी टेन टू इग्नोर एवरी वन एल्स इन अर्ली, बाकी लोगों को छोड़ देते हैं। फिर हम बहुत सारी चीजें करते हैं उस व्यक्ति के लिए, जब करते हैं तो हमारे अंदर भी अपेक्षा बनने शुरू हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है, मैं इतना कर रहा हूँ तो भी कुछ करे, उसको यदि नहीं चमका तो प्रॉब्लम होती है। फिर हम इतना उसमें प्रेम डाल देते हैं मोह इन्फेचुएशन की जगह, तो वो सामने वाला व्यक्ति सफोकेट होना शुरू हो जाता है ना। फिर हम बोलते हैं कि ये संबंध में बहुत सारी प्रॉब्लम होगी, तो लव खत्म हो जाता, ब्रेकअप हो जाता कोई कोई केस में। तो बचाने खुद बचने के लिए, क्योंकि ये एकेडमिक्स और स्टूडेंट्स दोनों ही उसको वो करेंगे, मैंने नीचे लिखा है द अबव एग्जांपल इज टिपिकली शोन इन मूवीज है ना, बट इट ऑल्सो टेक्स प्लेस इन रियल लाइफ। ये क्यों होता है, क्योंकि हम उसको स्पेशल अटेंशन वाला अधिमूल्यन जैसे देखते हैं। तो बेसिक इश्यू क्या होता है, अभी के प्रेम में हम रूप और गुण देखते हैं और वो हमारे प्रिय अप्रिय दृष्टि के अनुसार होता है, इसके कारण हमको जो अच्छा लगता है वो बदल जाता है थोड़ी देर में, इसीलिए प्रेम भी बदल जाता है। या वो चीजें हमको दूसरे किसी व्यक्ति में और उससे अधिक दिखता है तो उसको डंप करके हम दूसरे किसी व्यक्ति के प्रति प्रेम कर लेते हैं, है ना। तो ये जो इमोशनल एंगल है इट्स अ बिग थिंग एंड वेस्टर्न सोसाइटी में इट इज वेरी कॉमन। अभी इंडियन सोसाइटी में ओवरऑल एज अ परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन बहुत कम है, सिटीज में अधिक है। देखिए मैं सेपियंस बोल के एक बुक मेरी पत्नी ने खरीदा, एक ग्राफिक नॉवल, इट्स अ फेमस बुक, आपने कम से कम नाम तो सुना ही होगा, यूवाल नोआ हरारी बोल के एक आदमी ने लिखा है, इसराइल का है, सेटल्ड इन द यूएस। तो ऐसे ही मैंने सोने के पहले आधे घंटे लाइट रीडिंग के रूप में मैं उसको देख रहा हूँ, ग्राफिक नॉवल कार्टून जैसे लिखा है, इट्स वेरी इजी टू रीड। तो उसके वो जाके वो और एक लड़की नहीं आ रही प्रॉपरली, है की आवाज नहीं आ रही प्रॉपरली। ओह मेरी आवाज नहीं आ रही, आ रही है भैया? आ रही है हाँ। अच्छा दीदी, अच्छा दीदी, तो लगता है आपके यहाँ, मैं रिपीट करता हूँ, तो मैंने कहा सेपियंस बोल के वो पढ़ रहा था एक ग्राफिक नॉवल, तो उसमें जो टीचर है वो और उसकी भांजी, एक भांजी छोटी दिखती है ना, 7-8-10 साल की होगी एटलीस्ट जो कार्टून है उसमें, वो किसी प्रोफेसर को मिलने जाते हैं जो ह्यूमन बिहेवियर पर एक्सपर्ट है लंदन में। तो प्रोफेसर बात करते करते एक तो एक हॉलीवुड कपल के ब्रेकअप का उसमें दिखाया है, एक बहुत फेमस मूवी स्टार और उसकी पत्नी का ब्रेकअप का न्यूज के बारे में बात करते हैं उस ग्राफिक नॉवल में। फिर बोलते हैं कि जब प्रोफेसर्स और न्यूक्लियर साइंटिस्ट और फिजिसिस्ट जब लंच ब्रेक पे मिलते हैं ना, वो बताना चाह रहा थी कि ह्यूमन या सेपियंस जो है होमोसेपियंस बहुत गॉसिपी है, तो वो अपने सब्जेक्ट के बारे में कम बात करते हैं। उसमें लिखा है दे discuss who is sleeping with whom and who is having an affair, एक बच्चों के लिए graphic novel, इसका मतलब वहां पर वो इतना व्याप्त। तो क्या हुआ, किसी टाइम में लव हुआ है ना, प्रिय हुआ, लव अधिमूल्यन हुआ, सब लाए होंगे प्लेटिनम रिंग फलाना रिंग सारी चीजें, किसी टाइम में जो है दूसरा आदमी और अच्छा लगने लगता है तो लव गो गो गोल हो जाता है, इसीलिए रिलेशनशिप टूट जाते हैं। फिर जबकि लव का मतलब क्या है,
है ना। लव का मतलब है कि वो हमारे समझ को उपज है, सामने वाले व्यक्ति के प्रति करुणा का भाव जब हमारे में रहता है, कंपैशन इज लव। तो यहां पर परिभाषा दिया है द कंबाइंड एक्सप्रेशन ऑफ काइंडनेस ग्रेशियसनेस एंड कंपैशन इज कॉल्ड लव। दया कृपा और करुणा की संयुक्त अभिव्यक्ति की प्रेम संज्ञा है, ये लिखा है आप इस दर्शन में। तो ये हमने सात संबंध और उनमें सात स्थापित मूल्यों को देखा। ये जो सात स्थापित मूल्य है, मैं दोहरा देता हूं, मूल में ये प्रत्येक मानव के प्रति हमारे में विश्वास, एक बार वो स्पष्ट हो गया तो बना रहता है ना, कम से कम उसके प्रति हमारी स्वीकृति। फिर हो सकता है जीते समय उसके विपरीत कुछ चीजें आ गए, वो अध्ययन और अभ्यास का चर्चा है। उसके बाद जो विश्वास, सम्मान, स्नेह अप टू प्रेम है ना, यदि हम देखें कृतज्ञता तक, तो जिन लोगों के साथ प्रतिदिन हमारा उठना बैठना होता है, जो लंबे समय के संबंध होते हैं, उसमें स्नेह, मित्रों के साथ जैसे स्नेह मिलन होता है ना, किसी को मिलने चले जाते हैं, कोई कार्यक्रम नहीं होता है तो अच्छा लगता है, ये स्नेह को शुरुआत वहां से होता है, तो उस संबंध में फिर विश्वास और सम्मान समाया रहता है। क्योंकि हम अपमानजनक विधि से बात करेंगे तो स्नेह स्वीकार भी नहीं होगा सामने वाले व्यक्ति को, भले ही हमारे में स्नेह है, तो अपमान का भाव नहीं होना और व्यक्ति भी नहीं होना, यदि सम्मान है तो अपमान के रूप में व्यक्ति नहीं होना, दोनों की जिम्मेदारी मेरे पास पर ही है। तो इसीलिए विश्वास और सम्मान या विश्वास आधार मूल्य है, प्रत्येक संबंध में पाया जाता है, उसके बिना वो मूल्य नहीं है। तो बाप का भी बेटे या बेटी या पत्नी से भी विश्वास उड़ गया तो कठिन है उस संबंध में, तो उस विश्वास के पात्र होने के लिए पुनः प्रयत्न करना पड़ता है और उसमें बहुत सारी चीजों को करना पड़ता है। तो उसमें हमने ये देखा कि आज के दिन जो हमारे भाव है और संबंध की स्वीकृति है, इट इज रिलेटिव है ना, ये सापेक्ष है। किस चीज पर सापेक्ष है? सामने वाला व्यक्ति जो कर रहा है हमको ठीक लगा कि नहीं लगा, हमारे प्रिय या अप्रिय के कारण है ना, माय लाइक और डिसलाइक, माय प्रेफरेंसेस, सो आई हैव अ बायस, सामने वाले का भी बायस, तो दिस क्रिएट्स अ प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम है? मुझे ये विश्वास, सम्मान और स्नेह होना है, मैं संबंध में होना चाहता हूँ, क्योंकि जब मैं संबंध में नहीं रहता हूँ तो मुझे खराब लगता है ना, अधूरापन लगता है, अकेलापन लगता है, और जब विरोध हो जाता है तो दुख होता है, अशांति होती है, असंतोष होता है। यू नो देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ अनहैप्पीनेस, दुख भी होता है, अशांति भी होता है, असंतोष भी होता है, देयर ऑल वेरी डिस्टिंक्ट, इसको हम आगे अध्ययन करेंगे। और सुख भी तीन प्रकार का होता है, सुख भी होता है, शांति भी होता है, संतोष भी होता है, तो इसको हम आगे और चर्चा करेंगे जब भी इसका समय आएगा। तो बट संबंध में क्या है, सामने वाला व्यक्ति ठीक नहीं है, ठीक है वो जागृति क्रम में है, भ्रमित बोलने से ज्यादा अच्छा शब्द है जागृति क्रम, क्योंकि वो उस क्रम में कहीं पर है, मैं भी उस हम किसी क्रम में कहीं पर हूँ, हम दोनों भ्रमित है ना, ये तो ऐसा लगता है कि मैं ठीक हो गया, सामने वाला भ्रमित, ऐसा हो सकता है उसने ये सब सुना नहीं हो, बट उसमें ये भाव या इनके प्रति प्रवृत्ति पहले से मेरे से अधिक हो, समझने के लिए, जीने के लिए, ये दिखता तो है। ठीक, तो फिर हम कैसे जिए, हम कैसे भाव संपन्न हो, बिकॉज नाउ दिस मेरे स्वार्थ से रिलेटेड है ना, नाउ आई इट्स अ वेरी सेल्फिश नोशन फॉर मी, बिकॉज इरिस्पेक्टिव ऑफ हाउ द अदर पर्सन इज, इफ आई डोंट फील मेरा दरा थोड़ा खराब, यदि मुझे उनके प्रति स्वीकृति का भाव नहीं है तो मेरे दुख का कारण बनता है, इरिस्पेक्टिव आदमी कैसा हो। तो उसके लिए रास्ता ये है कि हम स्वभाव धर्म पर ध्यान दें, मूल चाहना पर ध्यान दें, जो हमने अपने विश्वास तथा स्नेह के चर्चा में हमने लिया था। ठीक है, तो ये सात संबंध और नौ मूल्य, और इन नौ स्थापित मूल्य के नौ शिष्ट मूल्य है इसका पैर, उसको अभी रखा नहीं है, थोड़ा ओवरलोड हो जाता है, आगे करेंगे। ठीक, अब इन संबंधों को लेकर हम करें क्या है ना, मूल्य तो हमने पढ़ लिया, तो हम ये देखते हैं कि ये परिवार में जीते समय सबसे सुलभ रूप से पहचानना आता है। जैसे माता पिता संबंध परिवार में ही पहचानना पड़ेगा आपको, कम से कम इन थियोरी, प्रैक्टिकली हो सकता है आपके माता पिता वैसे नहीं हो जहाँ जैसे यहाँ पर लिखा है, वो तो नोबडी इज लाइक व्हाट इज रिटन हियर है ना, परंतु वैसे होने के लिए हम कैसे कहाँ पर अभ्यास करें, तो परिवार में ही होता है।
फिर ये भी दिखता है कि ये केवल रटने से ये भाव हमारे में नहीं होता है, जबरदस्ती हम किसी बच्चे को पकड़े और बोले तुसने संपन्न हो जा, उसने संपन्न हो जा, नहीं होता। इट हैज टू अराइज इन अस, है ना, एंड इट डज नॉट अराइज बाय सर्मन्स, मतलब ये उपदेश विधि से भी नहीं आता है। तो मूल्य किसी लिए उपदेश विधि से नहीं दिया जाता, उपदेश से अच्छा लगता है, उपदेश सुनने सुनने तक अच्छा लगता है, जैसे मैं एक उपदेश दे रहा हूँ मुझे सुनने तक अच्छा लगता है, मान लेते हैं, मतलब मैं मान रहा हूँ आपको अच्छा लग रहा है, ठीक लग रहा है, तभी एक घंटा 40 मिनट के दो दो घंटा सुनते हैं, यदि नहीं होता तो बंद करके चले जाते। परंतु मेरे बोलने मात्र से, उसको सुनने मात्र से आप में कुछ हो जाएगा ऐसा नहीं, उसको अध्ययन करना पड़ेगा, उन शब्दों के अर्थ में आपको जाना पड़ेगा, उसका अभ्यास करना पड़ेगा, उसके कुछ आपके निष्कर्ष बनेंगे, आपके कुछ प्रश्न बनेगी, वो आपकी समझ बनेगी, तब जाके आपको वस्तु मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। ये सब सुनने से कोई दिशा बदल सकती है हमारी, हमारा ध्यान चलेगा कि अरे यार मैं परिवार को छोड़ गया, अरे यार मैं पैसे के पीछे पड़ा हूँ, अरे यार मेरे में स्पर्धा है, मेरे में द्वेष है, गुस्सा दिखाता है, ये सब अच्छी चीजें हैं, यही प्रारंभिक फल है ज्ञान का जो जीवन विद्या शिविर से संभव होता है। बट इट इज अ प्रारंभिक फल, इट इज दैट फ्रूट दैट यू गेट विदाउट डूइंग एनीथिंग बाय जस्ट सिटिंग फॉर 7 days। फिर आप देखेंगे कि बार बार बैठने से वो बढ़ता नहीं हो पाता, किसी समय के बाद वो सैचुरेट हो जाएगा, फिर उससे अधिक वस्तु या अध्ययन की ओर आपको जाना पड़ता है, नहीं तो आगे है ना ग्रोथ या डेवलपमेंट नहीं होता। तो परिवार में जीना आगे, हाँ, तो परिवार में जीने में हमको ये दिखता है कि परिवार जो है ये समाज का एक अंग है और परिवार समाज से जुड़ा है। तो इस व्यू के साथ फिर हम विवाह और उस परिवार में रहते हैं, है ना। तो परिवार वो जगह है, पहली जगह है जहां पर हम इन पूरे संबंधों के जो वेब है, वेब को क्या बोलते हैं हिंदी में, स्पाइडर जो बनाता है जाल, जाल मकड़ी का जाल, बट ये मकड़ी का जाल नहीं, आदमी का जाल है, है ना, मानव का जाल है। तो हम हमारे समझ को यहीं पर अभ्यास करते हैं अपने परिवार में रहते हुए। यदि आप ऑलरेडी जिस परिवार के साथ हो, चाहे वो 3 लोग हो या 20 लोग या 2 व्यक्ति, तो वहां से ये प्रारंभ शुरू होता है, है ना। तो ये सारी चीजें यहाँ पर लिखी है, ये बच्चों के दृष्टि से दिखे, ये हमारे लिए लागू होता ही है। ये जो अभी बात किया था किसी ने, देखिए लास्ट पॉइंट लिखा है, बेनिफिट फ्रॉम द कलेक्टिव विजडम ऑफ एल्डर्स व्हेन इट कम्स टू द मेनी एस्पेक्ट्स एंड फेजेस ऑफ ह्यूमन लाइफ। इसको मैं इसीलिए यहाँ पर डाला कि ये स्टूडेंट्स का उसके प्रति थोड़ा सा सीक्रेट भी बने, यदि कोई इसको, यदि ये छपता है और छपने के बाद यदि कोई पढ़ता है तो ठीक, नहीं तो ये सब बताने के लिए कोई है ही नहीं, माँ बाप भी नहीं बता पाते हैं। तो हम परिवार में छोटे छुटपन से इन चीजों को प्राप्त करते हैं और बड़े होने के बाद इन्हीं चीजों को हम नेक्स्ट जनरेशन को सौंपते हैं। ये एक साइकिल, सो यू आर लाइक अ मैंगो सीड दैट हैज टू ग्रो इनटू अ ट्री एंड देन बेयर फ्रूट टू कंटिन्यू द ट्रेडिशन। तो एक ट्रेडिशन तो हम कंटिन्यू करते हैं शरीर का, 99% लोगों को ये अपेक्षा या इच्छा होती है कि हमारा खुद का स्वयं का संतान हो, ये एक नेचुरल कामना है, इसको पुत्रेष्णा कहा है, और उसका मैं देखभाल करूं, ये अपने आप होता है। परंतु जैसे हम शरीर को बना के रखने और मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, वैसे ही समझ, सभ्यता, जानकारी, ज्ञान, ये सबको भी मल्टीप्लाई करना हमारी जिम्मेदारी है, और वो स्थान का नाम परिवार, जहां पर हम उन पूरकताओं को देखकर निभा सके, अभ्यास कर सके, जैसे हमारे जैसे लोग अभी जागृति क्रम में ही है, तो हम उसको अभ्यास करें और अगले पीढ़ी में जहां तक हो सके उसको सौंपे। तो यहां पर ये लिखा है कि जस्ट एज मेनी सब एटॉमिक पार्टिकल्स कम टुगेदर टू फॉर्म एन एटम एंड एक्सप्रेस अ डेफिनेट कंडक्ट, सो ऑल्सो मेनी ह्यूमंस लिव टुगेदर इन अ फैमिली फॉर सम कॉमन गोल्स। तो परिवार का कुछ लक्ष्य होता है, तो ये वाली बात आती है कि भाई परिवार की आवश्यकता है क्यों। भैया आवाज गई, आवाज गई,
बाकी लोगों को भी गई, हाँ मुश्किल है, सायंकाल को बहुत प्रॉब्लम देता है ये, मैं उसको करता हूँ बार बार ज्यादा ये। एक्चुअली मुझे आवाज ठीक आ रही है। अच्छा, इसका मतलब जिनको जा रहा है उनके यहाँ जा रहा है। इधर इधर में भी ठीक आ रही है भैया, बॉम्बे में भी ठीक आ रही है। इनफैक्ट आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो अगर आप चाहो तो थोड़ा क्लास जल्दी भी छोड़ सकते हैं, आपकी गले में बहुत खराश हो रही है। हाँ नहीं ठीक है, इधर बॉम्बे तक तो आवाज आ रही है इजी। ये परिवार वाले तक करते हैं, फिर देखते हैं। तो फिर परिवार की आवश्यकता है क्यों, है ना, मैं क्यों परिवार में रहूं, ये बच्चों को भी पढ़ाना पड़ता है और हम भी समझें। तो परिवार एक ह्यूमन मॉलिक्यूल जैसा है या एक ह्यूमन एटम जिसकी एक निश्चित आचरण होती है। तो जैसे प्रकृति में बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल मिलके एक अणु बनाते हैं और एक निश्चित आचरण ऑक्सीजन या पानी, यदि परिवार को मॉलिक्यूल मानेंगे तो बाकी लोगों को एटम मानना पड़ेगा। तो इसका मतलब परिवार का भी एक आचरण है जैसे मानव का आचरण। तो परिवार का आचरण उदारता के रूप में, है ना, दया के रूप में, ये सब दिखता है। जैसे मेरे परिवार को बाहर से कोई देखता है तो क्या दिखता है उनको, मैं इंडिविजुअल के रूप में नहीं दिखता हूँ, ये पूरा परिवार दिखता है, ये तो क्या है। तो लोग एक बड़ा वो बनाते हैं, नहीं ये धनाढ्य लोग है, ये शाकाहारी है, ये मांसाहारी है, सब लोग बनाते हैं उसको ना, ये यहाँ का आदमी है। फिर उसके आचरण के लिए सोचेंगे तो नहीं वो अच्छे लोग हैं, या किसी से बात नहीं करते, नहीं नहीं कभी प्रॉब्लम हो गया तो मदद करते हैं। ये सारी चीजें परिवार की सम्मिलित आचरण होती है। तो परिवार में जो सदस्य हैं उनका जो वैयक्तिक जो आचरण है ये सारा मिलजुल के फिर परिवार का आचरण कहलाएगा। तो परिवार का उद्देश्य क्या है, एक तो वो जीने की जगह जहां पर मैं ऐसी चीजों का अभ्यास कर पाऊं। परिवार वो स्थली है जहां पर एक बच्चा बचपन से लेकर बड़ा होता है, उसका शरीर भी बढ़ने के लिए बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं, और उसके जीवन के तृप्ति, चैतन्य पक्ष की तृप्ति तथा जीने के नियम या मानव के रूप में व्यवहार के नियमों को बताने के लिए भी स्थान परिवार ही है। छोटे छोटे चीजें जैसे झूठ मत बोलो, बड़े लोगों की बात सुनो, फैन का बिजली वेस्ट मत करो, पूरे दिन हम बोलते रहते हैं ना बच्चों को, ये पूरा शिक्षा में ही जाता है। जहां भी जाते हो बोल के जाओ, बिना बता के मत जाना, इट्स अ गुड थिंग। तो परिवार में फिर क्या क्या होता है, एक तो बौद्धिक समाधान, इंटेलेक्चुअल रेजोल्यूशन, ये एक उद्देश्य होता है परिवार का। फिर दूसरा, परिवार में ये आवश्यकता होती है कि जैसे प्रत्येक व्यक्ति में ये रहे, अभी हो सकता नहीं हो सकता एक अलग मुद्दा, अभी हम स्टार्टिंग है सिलेबस के ना, एक आदमी से प्रारंभ करें, भौतिक समृद्धि हो जाए और परस्पर संबंधों में तृप्ति हो जाए टू द एक्सटेंट पॉसिबल, मैं एक कैवियट लगा देता हूँ, टू द बेस्ट एक्सटेंट पॉसिबल आज के दिन, क्योंकि पुनः हम देखेंगे कि हम कहेंगे नहीं मेरे पिताजी ऐसे, मेरा माँ ऐसा, मेरा भाई ऐसे, नहीं, टू द बेस्ट एक्सटेंट पॉसिबल क्या हो सकता है, अभी भी वैसे ही एक क्लोज अप्रोक्सीमेशन में हम जीते हैं संबंधों में। आगे देख रहा हूं यार कितना लंबा है। हम 2 मिनट का ब्रेक ले लेंगे, मैं थोड़ा गर्म पानी लेकर आता हूँ, रोक भी सकते हैं, पर मुझे लगता है थोड़ा गर्म पानी ठीक पीने से इसको आगे बढ़ा सकते हैं, तो कम से कम ये यूनिट पूरी हो जाएगी संबंध वाली, है ना। इट इज 6:49, सो यू कैन ऑल्सो टेक ए 3 मिनट ब्रेक, वी डू अ 2 आवर सेशन विदाउट अ ब्रेक। स्टडीज ये बताती है कि 45 मिनट से अधिक एक आदमी ध्यान नहीं दे पाता है, 2-3 मिनट। आप रहने दीजिए भैया, आज आपकी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है। नहीं, वैसे फीवर नहीं, एक घाट भी हो जाएगा, सो नेक्स्ट वीक वी कैन स्टार्ट विद। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, बस एक 3-1 मिनट में आता है, ऐसे फीवर वगैरह कुछ नहीं है, केवल गले में वो है। हाँ, गले में खराश है, बोलने में तकलीफ होती है।
गौतम आप लोग भी हैं, सभी लोग इसमें तो दिख रहे हैं। तो ये परिवार का लक्ष्य इस रूप से है ना, तो आपस में शिक्षा होने से बौद्धिक समाधान हो जाए, परिवार की भौतिक समृद्धि हो जाए, और बौद्धिक समाधान का एक भाग है कि आपस में संबंधों में हम कैसे जी पाए इसको हम सीख लें। ये एक बड़ी विद्या है, ये भी कहना चाहिए, सुनने में सिंपल लगता है, करने जाते हैं तो उसमें 10 प्रकार के प्रॉब्लम आते ही हैं, परंतु इस दर्शन में उन चीजों को उत्तरित करने के लिए तथा उसके लिए समाधान प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त वस्तु है, ये तो मैं कह सकता हूं। तो ये परिवार का उद्देश्य हो गया, तो उसमें देखें तो छोटे बच्चों का शिक्षा, बड़े बुजुर्गों का देखभाल होना, फिर आपस में मिलजुल के रहने से मनुष्य का अच्छा भी लगता है, आदमी एक आइसोलेटेड वस्तु तो नहीं है, है ना, लोगों से मिलकर हमको अच्छा लगता है, बहुत लंबे समय तक हम अकेले रह जाते हैं तो ठीक नहीं लगता, बाहर से लोगों की आवश्यकता पड़ती है हमको बीच बीच में, तो ये सब चीजें हमको परिवार में मिलता है। ठीक, तो आज के दिन परिवार का क्या स्थिति है, सब लोग काम और किन्हीं चीजों में बिजी है ना, बिकॉज वी कॉमनली टेंड टू टेक द इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली फॉर ग्रांटेड, विच मीन्स वी डोंट स्पेंड मच टाइम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड फैमिली लाइफ और इवन वैल्यू फैमिली लाइफ इनफ, है ना, ये वाली चीज एक जनरल एक आज के समाज में हम देख सकते हैं। कुछ लोगों को तो ये एक कुछ थियोरी के अनुसार तो इसको एक बाधा भी माना गया, ऐसा प्लेटो एक फिलोसोफर हुए, तो वो समाज ये समाज के अच्छे समाज के रचना के लिए परिवार को एक बाधा माना, उसको लगा कि लोग यदि परिवार में जीते हैं तो परिवार तक ही सीमित हो जाते हैं, स्वार्थी हो जाते हैं और समाज के लिए कुछ करते नहीं। आज के दिन हमको नाम पता है जैसे पति पत्नी, परंतु उन संबंधों का स्वरूप या प्रयोजन हमको पता नहीं रहता, तो धीरे धीरे शने शने जैसे जैसे हमारा ध्यान जाता है अध्ययन के फलन में, तो हम इन संबंधों के नामकरण के मूल में जो उसकी जो क्रिया है उसका जो प्रयोजन है उसको हम अध्ययन करते हैं, उसकी स्वीकृति होती है, फिर उसके
अर्थ में हम उन संबंधों में प्रस्तुत होते हैं, तब जाके उन संबंधों में कम से कम हमारे ओर से सही करने की संभावना बनती है। संबंध में तृप्ति होने से अच्छा जब हम सही करते हैं तो भले ही सामने वाला व्यक्ति ये सब नहीं पढ़ा हो, उसको स्वीकार होता है। दैट्स द अदर मैजिकल थिंग अबाउट दिस, है ना, जो हमारे लिए एक प्रूफ के रूप में, एक लाइव प्रूफ के रूप में दिखेगा। जैसे आपके पेरेंट्स के प्रति आप ममता करने जाओ, ऐसा हो ही नहीं सकता, वो बोलेंगे कि मेरा देखभाल मत करो। Nobody rejects affection unless they already dislike you. Then they feel कि I'm acting कर रहे। तो ये सारी चीजें हमको दिखता है कि अस्तित्व सहज है, they're natural to existence, और मानव सहज है, nobody you know rejects them. ये एक चीज। एक नोट कर लेता हूँ, ये बुक में कुछ दिख गया तो बाद में करेक्शन के लिए एक नोट बना दे रहा हूँ। भैया हर एक रिलेशन संबंध में उस मूल्य को हमेशा याद रखना होगा, जैसे उस संबंध के बारे में थॉट आती है तो मूल्य याद आ जाने चाहिए, इसका प्रैक्टिस करना होगा। बिल्कुल, तो स्टार्टिंग तो यहीं से है कि शब्द से हम प्रारंभ करेंगे, पुरुष की परिभाषा रहेगी, है ना, वो शब्द के बारे में हम क्या सोचते हैं, जैसे स्नेह है, सम्मान है, तो प्रारंभिक क्रम में आपको जीवन विद्या का परिचय शिविर के प्रबोधक से आप सुने होंगे, कुछ वीडियो से देखे होंगे, जैसे आप मेरे से कुछ सुन लेंगे, कुछ अन्य प्रबोधकों से सुन लेंगे, इसका एक मिश्रण बना के आप बना के रखेंगे। किसी दिन उसका अध्ययन आपको स्वयं करना पड़ेगा, है ना, किसी दिन, मतलब अभी हम अध्ययन की दृष्टि से ही बैठे हैं, तो वो पुस्तक में जो लिखा है स्नेह के बारे में परिभाषा, उसको पढ़ के उस परिभाषा के अर्थ में हमको सोचना पड़ेगा, तब वो परिभाषा याद भी रहती है, उसके अर्थ के बारे में हमारे पास इमेजिनेशन भी रहता है, और वो संबंध सामने आने से वो याद रखना। सो इट इज अ लॉन्ग एक्सरसाइज प्रैक्टिस। कुछ चीजें हो सकती हैं कि एक व्यक्ति में बहुत फट से ठीक हो जाए, जैसे बहुत लोगों को गुस्सा बहुत रहता है ना दुनिया से, जैसे मुझे दुनिया के प्रति बहुत गुस्सा था, गुस्सा ही साथ में इरिटेशन था कि दुनिया बहुत ही बेकार जगह है, तो ये जीवन विद्या शिविर में एक दो बार सुना, वो इरिटेशन एकदम मेरी चली गई अपने आप, मैं कुछ याद बात नहीं किया, अपने आप ही कुछ चीजें हो गई, है ना। फिर मैं शहर का आदमी था, गाँव के लोगों को एक प्रकार से देखता था, जाता था गांव में रहता था, फिर भी वो भेदभाव कर, अभी भी भेद दिखता है परंतु भाव नहीं रहा। तो ये चीजें, कुछ चीजें हमारे में अपने आप परिवर्तन होने की संभावना है, बाकी चीजों को हमको जो आप कह रहे हैं वो करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। तो अध्ययन के लिए मन को लगाना पड़ता है, इसी का नाम ध्यान। तो इस दर्शन में ध्यान देने का मतलब है इन वास्तविकताओं पर ध्यान देना शब्दों के माध्यम से, विद द एड ऑफ वर्ड्स, शब्द के सहारे, परिभाषा के सहारे, या देन इसमें अलग से कोई स्पेशल कंडीशन सिचुएशन वगैरह थोड़ा मदद करते हैं, बट वैसा अलग से बैठकर करना है ऐसा कुछ नहीं। ठीक है भैया, जैसे अभी भैया जी ने भी बात रखी कि अगर हम किसी संबंध में प्रस्तुत हो रहे हैं तो फिर सभी भावों को और जो मूल्यों को देखें, ये तो एकदम से मतलब कठिन लग रहा है कि कैसे वो सारी चीजें याद रखना पड़ेगा और फिर कैसे हो पाएगा, ये सहजता से नहीं हो पाएगा, मतलब डिफिकल्ट लग रहा है, ऐसा लग रहा है बात भी नहीं कर पाएंगे ऐसे तो, मतलब कि क्या बोलूं कि गड़बड़ ना हो जाए, क्या ना बोलूं कि मतलब ठीक हो जाए, मतलब थोड़ा सा ऐसा ही। सही बात, किसी ने हमको क्वेश्चन पूछा और हम गिनना शुरू करते, एक मिनट रुक जाओ, विश्वास, सम्मान, स्नेह, प्रेम, एक मिनट रुक जाओ, है ना, कृतज्ञता, चलो तुम्हारे साथ में कृतज्ञता करता हूँ, ऐसा तो नहीं होगा। हाँ इसका नहीं, ठीक है ना, तो ये उस विधि से होता है, देखिए हमारे में जीवन में मन एक क्रिया है ना, मन में रुचि मूलक आस्वादन भी होता है, मूल्य मूलक आस्वादन भी होता है, दो विधि से आस्वादन कर सकते हैं, टू वेज इन विच द मन ऑपरेट्स, अरे तीसरा होता है लक्ष्य मूलक आस्वादन, वो भी मान लेते हैं हमारे में भी है, बिकॉज वी आर इंटरेस्टेड इन समथिंग लाइक दिस। फिर दूसरी क्रिया है वृत्ति, वृत्ति में दो विधि से तुलन होता है, एक प्रिय हित लाभ, मुझे जो अच्छा लगता है बुरा लगता है, दूसरा न्याय दर्शन, तीसरा है चित्त का क्रिया, चित्रण, चित्रण भाषा
और बहुत सारा जो मेमोरी है वो पूरा चित्रण में ही उसका कोड स्टोर रहता है, पूरा मेमोरी वो ब्रेन सहित व्यक्त होता है। रिकॉल के लिए ब्रेन की आवश्यकता पड़ती है, दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक, कभी जीवन ब्रेन इंटरेक्शन पे हम कोई सत्र करेंगे तो उस पर कर सकते हैं। तो अभी फिर अध्ययन में कैसे करें, तो मुझे लगता है कि ये जिस विधि से होता है, इस भाषा को लेकर जब हम सोचते हैं, पढ़ते हैं, सोचते हैं, हमारे अंदर घूमता है, इस समय हम व्यवहार नहीं कर रहे हैं, है ना, इस समय हम विचार कर रहे हैं, अध्ययन के लिए विचार कर रहे हैं। अभी जो हमारा काल है, जो समय है जीने का, ये विचार का काल। तो इन भाषा, एक तो भाषा याद रहती है, तो मिनिमम मान लेते हैं हम अर्थ तक नहीं जा पाए, तो वो संबंध जब सामने आता है तो हम लाइव ही व्यवहार करेंगे। उसके बाद हम, ये हमारे मन में आ सकता है कि क्या मैंने स्नेह किया, तो ये एक निरीक्षण हमारे में प्रारंभ हो सकता है। दूसरा, फिर हम उन संबंध के प्रयोजन के बारे में सोचते हैं, फिर दुनिया में भी ऑब्जर्व करते हैं ना, संसार में उसका सर्वेक्षण करते हैं, ये हमारे अंदर एक चीज चलती रहती है। चलते रहने से क्या होता है, हम पहले जिस विधि से चित्रित किए रहते हैं संबंध को, बिकॉज योर नोशन ऑफ अ रिलेशनशिप इज द इमेज दैट यू हैव एक्सेप्टेड ऑफ इट, एंड जनरली हमको वो इमेज को दिखता नहीं है। अभी हमारी जो जागृति क्रम में जिस जो स्टेटस है वो दिखता नहीं, उसके हम दृष्टांत नहीं रहते। तो वो जो इमेज जब दिखता है वो एक अलग स्टेज है, उसको हम आगे बात करेंगे, पर हमारी वो इमेज ही बदल जाती है। सो नाउ यू हैव अ पैरेलल इमेज ऑफ हाउ टू बी विद अ वाइफ और अ ब्रदर आपके अंदर। तो नेक्स्ट टाइम भाई आता है, सो देयर इज अ चांस कि आप अपने पुराने इमेज के जगह एक हाइब्रिड इमेज में डिफॉल्ट हो जाते हो, या नए इमेज में ही चले जाते हो, या भाई के साथ पुरानी इमेज करते करते आपके अंदर कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली रुचि मूलक के जगह मूल्य मूलक का आस्वादन प्रारंभ हो जाता है। इसका मतलब क्या है, एक सिंपल एग्जांपल, आप खिला के खाओगे, पहले आपको मतलब नहीं, आप खा ले तो दूसरा आदमी गया तेल वो अपना देख लेगा, होश ही नहीं रहता एक्चुअली। फिर वृत्ति में जो तुलन होता है वो भी चेंज हो सकता है, प्रिय प्रिय के जगह आपने न्याय न्याय तुलन एक समय किया, दो बार किया, तीन बार किया, क्योंकि ये चित्त में एक नई इन्फॉर्मेशन आ गई ना, मेमोरी। इसीलिए जो इसके पहले भैया ने पूछा, वो मेमोरी इस नीचे के विश्लेषण को डाइवर्ट करेगी टुवर्ड्स इटसेल्फ। ऐसा आप मान लीजिए, आपको मैं अच्छा नहीं लगता हूं, क्यों अच्छा नहीं लगता हूं, इसके पहले मैंने कुछ किया जो आपको अच्छा नहीं लगा, आपके अंदर वो मेमोरी है। तो इस घटनाक्रम को देखिए, हमारे बीच में व्यवहार हुआ, मैंने कुछ किया, वो जो मैंने किया जो आपने देखा वो आपके अनुसार अच्छा नहीं है, सही नहीं है, अन्याय है ना, आपके लिए वो अप्रिय हो गया, बट आप उसको अन्याय घोषित करते हो। ये पूरी मेरे बारे में सेट आपके चित्त में स्टोर हो गई, ठीक है। सो नाउ दिस इमेज ऑफ मी इज सिटिंग इनसाइड यू, कि इसने ऐसा किया और ये ठीक नहीं है। The next time I come in front of you, this image gets fired. ये सामने आके खड़ा हो जाता है, इसने ऐसे किया और इसने अच्छा नहीं किया, तो हमारा पूरा बिहेवियर उसके अनुसार सिंक होता है, उसके अनुसार, उसके थ्रू फ्लो होता है, उस दृष्टि के थ्रू फ्लो होता है, मेरे बारे में जो दृष्टि बन गई। अब ये जीवन विद्या आता है, मध्य दर्शन आता है, ये बोलता है कि नहीं, मित्र संबंध एक है, ये पूरकता के अर्थ में, ये बार बार हो गया, तो अगले बार मैं व्यवहार करता हूँ, आप मेरे साथ करते, फिर आपको मैं अच्छा नहीं लगता हूँ, फिर आप सोचते हैं कि मैंने क्या किया, प्रिया तुलन किया कि न्याय तुलन किया, आप सोचे तो सही, इसके पहले सोचते भी नहीं थे। फिर मित्र संबंध, और है ना, जैसे मैंने 10 बार बोला, आपने भी सोचा 50 बार, आपने पढ़ा, और एक लंबी प्रक्रिया के द्वारा आप कहीं पर पहुंचे कि नहीं, मित्र संबंध पूरकता का है। नाउ आपके अंदर ये मित्र संबंध पूरकता का है चित्र, तथा ये आदमी ने ठीक नहीं किया, ये दोनों चित्र कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी समय मैच होगा, तो आप यही पाएंगे कि यार मैंने तो इसको अप्रिय है ना, आई डोंट लाइक दिस पर्सन, राइट। तो ये मैचिंग वाली चीज चलेगी अंदर, हमारे अंदर, इसको बोलते हैं व्यवहार अभ्यास, विचारों में परिवर्तन, स्व निरीक्षण विधि से हमारे अंदर इसी विधि से गुणात्मक चेंज होता है। किसी समय में ये करते 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 ये पुराना जो फर्स्ट चित्र था जो अच्छा नहीं लगने वाला, ये मूल्यांकित हो जाता है, इसकी सीमा यहां तक है। ये चित्र बड़ा है, विरोध का चित्र हमेशा छोटा होता है, संबंध का चित्र बड़ा होता है। सी, यू कांट हेट एवरीवन इन द वर्ल्ड, देयर आर पीपल यू डोंट केयर अबाउट, देयर आर पीपल यू लाइक एंड द पीपल यू डिसलाइक। सो द पीपल यू डोंट केयर अबाउट एंड द पीपल यू लाइक आर ऑलवेज गोइंग टू बी बिगर देन द नंबर ऑफ पीपल यू डिसलाइक। इट इज इम्पॉसिबल टू डिसलाइक एवरीबॉडी इन द वर्ल्ड, इट इज इम्पॉसिबल टू स्टील फ्रॉम एवरीबॉडी इन द वर्ल्ड।
है ना, इम्पॉसिबल। जो भी गलत चीजें हैं, जैसे पर नारी पर पुरुष, इट इज इम्पॉसिबल टू हैव एन अफेयर विद एवरी पर्सन इन द वर्ल्ड, पॉसिबल ही नहीं है, आप सोच भी नहीं सकते। बट सबके साथ संबंध पूर्वक जीना ही आप सोच सकते हो, ये बड़ी कंटेनर, ये बड़ा मूल्य। तो क्या होता है अध्ययन में, किस विधि से हमारे में गुणात्मक परिवर्तन होगा, उसका प्रक्रिया क्या है, इसको यदि सोचो। तो ये भाषा के अर्थ में जब हम चित्रित करते हैं, ये सब रिकॉर्डिंग सुनेंगे, ऑडियो सुनेंगे, शिविर में बैठेंगे, कुछ बुक्स पढ़ेंगे, कुछ सोचेंगे, नागराज जी का वीडियो देखेंगे, स्वनिरीक्षण होगा, तो ये बड़े चित्र हमारे अंदर स्वीकार होना शुरू हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है, फिर छोटा चित्र उसमें समा जाता है, वो फिर लाइव आता है, उस सामने वाला जब आदमी खड़ा हो जाता है तो वो वाली चित्र लाइव आती है, दिस न्यू वन दैट यू हैव एक्सेप्टेड, आप जो कह रहे हैं वो वाली सर्कमस्टेंस नहीं होगी, नहीं तो वही होगा कि हम मूल्य गिन रहे, व्यवहार ही नहीं कर रहे, एवरी टाइम समबडी कम बोला एक मिनट, तो सात में से कौन से मैं पहले मैं तय करूँ, हाँ तो नंबर सिक्स है ना, तो छठा संबंध है, छठे संबंध में कौन सा मूल्य, चौथा मूल्य है, उसका परिभाषा एक मिनट में भूल गया, एक मिनट में बुक देख कर आता हूँ, यू कांट बिहेव लाइक दैट। नहीं नहीं बिल्कुल ठीक बात है भैया जी, मैं समझ पा रही हूँ आपकी बात। और फिर ये भी जैसे आपने कहा ना कि अभी हम समझ रहे हैं, फिर वो आप निरीक्षण कर पा रहे हैं, फिर उसके बाद वो आगे और अध्ययन होगा और गहरे से बैठेगा तो वो फिर बनेगा, एक लंबा टाइम लेगा ये सहजता होने में। हम वो चीजें प्रयत्न करने जा रहे हैं जो आज तक किसी ने किया ही नहीं इस धरती पे। जी जी भैया बिल्कुल इसकी महत्व को तो बिल्कुल समझ पाती हूँ मैं, और हमने भी कभी नहीं किया, सो वी हैव अ लॉन्ग वे टू कवर, है ना, बहुत सारी चीजें हैं। ऐसा भी लगता है, जब मैं छोटी थी ना तो मैं मम्मी से सबसे पूछती थी कि ये दुख और सुख साथ में क्यों है, मुझे तो खुशी चाहिए, क्या ऐसा भी हो सकता है कि दुख हमेशा खत्म हो जाए और हर दिन खुशी हो जाए, तो ये आंसर कभी मिलता ही नहीं था कि दोनों ये हट सकता है, ऐसे बोलते थे कि नहीं हट ही नहीं सकता है, दोनों चीजें साथ में ही चलेंगी। तो जब ये मुझे पता चला कि ये हट सकता है तो ये मुझे चमत्कार जैसा लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई इतनी बड़ी वस्तु मुझे मिली, ऐसा बिल्कुल यही है, जो भी बड़ी चीजें मिलती है ना हमको वो पॉकेट के ही मिलते हैं, कोई और किया रहता है। जैसे हमारी आंख ही चली जाती है, पहले से एक आदमी बैठा रहता है, आंख कैसे ठीक करना है, उसको आविष्कार किया हुआ एक आदमी रहता है, उसका फलन सबको मिल रहा है। देखिए मेडिकल साइंस इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑन दिस, बी इट आयुर्वेद और एनी काइंड ऑफ साइंस, है ना, एक आदमी का आविष्कार पूरे विश्व को बेनिफिट होता है। सच बात भैया बिल्कुल ऐसा ही है, वो आदमी सोचा ही नहीं होगा इतने सारे हार्ट सर्जरी हो जाएंगे, वो एक अलग प्रॉब्लम है कि वो कमर्शियल हो गया है, तो देयर आर सम सर्जन्स आर विलिंग टू कट यू ऑफ फॉर मनी, बट एंड वी अंडरस्टैंड दैट नाउ बिकॉज़ ऑफ द लाभ प्रवृत्ति, राइट। तो होपफुली ये कंटेंट विल फाइंड इट्स वे टू ऑल प्रोफेशनल कोर्सेज समडे, इट विल हैपन। भैया तो क्रिया पर और जो संबंध के मूल्य हैं वो दोनों पर ध्यान देने से हमारे जो नए चित्रण बनेंगे, जो पुराने चित्रण के साथ रहेंगे लेकिन काम नए चित्रण करेंगे क्योंकि उसमें सुख है, वही नए चित्रण का इच्छा यदि हमारे में प्राथमिकता में बनता है तो होगा, हमको अभी भी पुराना वाला ही अच्छा लगता है तो उसी को करेंगे, उसकी प्राथमिकता अधिक रहती है, कई बार उसकी तीव्रता अधिक रहती है तो उसी को करते हैं, यू विल डिफॉल्ट टू द ओल्ड बिहेवियर, सो इंटरनल चेंज इज गोइंग टू बी वेरी स्लो प्रोसेस and sometimes very painful also, internal pain, शारीरिक pain नहीं रहेगा। नहीं कुछ पुराने चित्रण जो परेशान करते हैं उस वो चित्रण को तो कोई चाहता नहीं है लेकिन वो आएगा ही क्योंकि उसको सर्च करता है बंदा कि उसे सुखी खुश हो रहा हूँ क्या उस चित्रण से, ठीक है, लेकिन खुशी तो मिलती नहीं है उससे। इसको यदि कोई सटीकता से कर पाता है, जितना ईमानदारी से एक व्यक्ति अपने में कर पाता है उतना ही शीघ्र इसमें परिवर्तन होगा, इसमें जितनी ईमानदारी कम पड़ती है या धैर्य कम पड़ती है उतने धीमे गति से होगा। कई बार हम अपने कुछ बुरे चित्रणों को हम देखना ही नहीं चाहते हैं, है ना, एक ये सेट होता है क्योंकि देखना तो हम ही को है और कोई तो देख नहीं सकता मेरे लिए, आई मीन दिस इज दैट पार्ट ऑफ मी दैट नोबडी कैन सी, दैट आई डोंट अलाउ एनीबडी टू सी, कोई घुस ही नहीं सकता अनटिल आई एक्सप्रेस इट टू समबडी, किसी को नहीं पता रहता मेरे अंदर क्या है ना, छोटी पोटली रहती है बीच में, वो मैं हूँ, राइट, मैंने अभी तक ऐसा किया है, कभी ऐसा भी सोचता था, ये सारी चीजें अंदर बैठी है एक एक आदमी के अंदर, चित्र में, चित्रण क्षेत्र में, इसको स्मृति पटल बोलते हैं दर्शन। दूसरा है
हमको थियोरी के रूप में स्वीकार होता है कि ये गलत है, परंतु क्रिया के रूप में अभी भी हमको उससे मजा आता है, हमारी प्रवृत्ति अभ्यास बनी रहती है। इट्स लाइक जैसा बोले एग्जाम्पल थोड़ा सा गलत है, कुत्ते की पूंछ जो होती है ना वैसा होता है। सो स्ट्रेटनिंग इट इज गोइंग टू टेक टाइम, कुत्ते का तो होता ही नहीं। सो यू नो वॉट इज राइट, सो यू ट्राई टू मेक इट राइट, बट आफ्टर सम टाइम उसको वो अभ्यास रहता है कर्वेचर का ही, तो कर्वेचर में ही जाता है। इट्स लाइक टीचिंग एन इंडियन टू ड्राइव ऑन यूरोपियन रोड्स, वो पहला वही करता है, वो एग्जाम पास करते तक सही करता है ना, जब उसको लाइसेंस मिलती है ना तो वो सही बोलता है, सारा उत्तर सही देता है और इंस्ट्रक्टर के सामने अच्छा बोलता है, अच्छा करता है। जैसे ही रोड में आता है उसका मन करता है वहां पर कोई नहीं है, उस जगह पर घुस जाऊं क्या, ये सिग्नल तोड़ दूं क्या, वही सब चलता है उसके अंदर। सही बोलते हैं भैया, बाहर में वैसे ही होता है। तो जब तक हम शरीर के लेवल पे जी रहे हैं तब तक से तो प्रॉब्लम आ ही रहा है, जब तक जीवन की क्रियाओं के बाहर धीरे धीरे जाएगा शरीर के लेवल से जीने से उठकर जीवन नहीं, ना नहीं हो पाता है भैया, पता है शरीर में कुछ कष्ट होता है तो जीवन नहीं दिखता उस समय। हाँ, जीवन नहीं दिखता है, उसी के लिए अध्ययन और अभ्यास है। तो अध्ययन और अभ्यास का हम एक सत्र या तो करेंगे या एक प्री रिकॉर्डेड सेशन है वो हमारे। भैया एक रिक्वेस्ट है, भटकर साहब एक बार मिलते हैं ना सर, भटकर सर के यहाँ कभी, मतलब सबको बुला के पुणे टाइप पुणे चैप्टर को। हाँ, आप पहचानते उनको? सर मेरे ही तो कंधा धरता है मेरे। मैं तो मिला हूँ उनको, वो तो नागराज जी को भी मिले दो बार आए। मेरे कर्ता धरता मतलब फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर है वो। नहीं, सो इफ यू से यू आर वर्किंग इन सीडेक ही विल। हाँ, सीडेक उन्होंने भी स्थापना किया। नहीं, ठीक है ना, मिलते हैं। मेरा भी मन है इस बुक का कुछ कल्याण हो जाए उनके हाथ से, देखता हूँ। कंप्यूटर का एक रेफरेंस आया तो मुझे एक क्वेश्चन था कि ये जो पांच क्रिया है जो हम लोग बोल रहे हैं, इसमें स्मृति कैसे डेवलप होता है, जैसे प्रभाव और दबाव जैसे बनता है, बाकी की क्रियाएं उससे उसके मतलब बिहेवियर जो बदल होता है उसमें, और उसमें मेमोरी भी कैसे बिल्ड होता है, तो ये थोड़ा सा बता पाएंगे? ये एक बहुत बड़ी टॉपिक है, लंबी टॉपिक है। मुझे लगता है दर्शन के अध्येता के रूप में मैं भी और मेरे साथ और कुछ लोग, हम लोग कहीं कहीं मेरे जानकारी में 2-3 लोग हैं, और भी लोग होते होंगे 10-15-20, इसको अभी टटोल ही रहे है ना, क्योंकि कुछ जो मेमोरी है, बट आई मेक जस्ट टू गिव अ क्विक आंसर। मेमोरी एक तो इज अ वेरी लॉन्ग सब्जेक्ट कि हम किस किन चीज को मेमोरी बोलते हैं। जैसे सैटरडे संडे को 5:30 बजे क्लास है, इसको मेमोरी बोलेंगे क्या, कैसे टाइप करना है मेमोरी बोलेंगे क्या, कैसा पानी पीना है मेमोरी है क्या, है ना, यहाँ से लेकर ये दर्शन में क्या बोला है, उस टाइप की मेमोरी जो हायर ऑर्डर मेमोरी होता है कॉग्निशन में। कुछ लोकेशनल मेमोरी होता है कि मेरा घर किधर है, कुछ बिहेवियरल मेमोरी होता है ना कि किसके सामने कैसे करना है। कुछ लोगों को ब्रेन डैमेज हो जाता है तो उसके सिविल के स्किल्स चले जाते हैं ना, कपड़ा पहनना, कैसे खाना, क्या बोलना नहीं बोलना, बड़बड़ाता आदमी, दारू पीने के बाद भी होता है, सोशल स्किल्स चले जाते हैं, बाद में उसको याद आता है मैंने ऐसा किया, उसको खराब लगता है। तो बहुत सारी चीजें हैं मेमोरी अपने एक टॉपिक के रूप में, परंतु जीवन में जितनी भी क्रियाएं हैं, दर्शन ये कह रहा है कि ये कंपनात्मक गति के कारण है। कंपनात्मक गति का मतलब वाइब्रेशनल मोशन। तो जीवन तो प्रत्येक एटम, बिकॉज जीवन को हम आगे जाके देखेंगे एक गठनपूर्ण परमाणु कॉन्स्टिट्यूशनली कंप्लीट एटम के रूप में प्रतिपादित है, इज पोस्टुलेटेड एज अ कॉन्स्टिट्यूशनली कंप्लीट एटम। तो इसमें जस्ट लाइक इन एनी अदर एटम इसका स्पिन भी मोशन होता है और एक रोटेशनल मोशन भी होता है, और एक पर्टिकुलर रीजन में वो घूमता है उसको हम ऑर्बिट बोलते हैं। अब ये जब घूमता है तो इस पूरे एटम की और इंडिविजुअल इसकी एक वाइब्रेशनल इस टाइप की एक मोशन भी मिल जाती है, एंड वी डिस्कस दैट इन डिटेल लेटर जब उसकी पुस्तक आएगी, भौतिक और उसका नाम। तो ऐसे वाइब्रेशनल मोशन भी हो जाता है उसमें। भैया मैं इसी में एक बात शेयर करना चाह रही थी, आई वाज जस्ट रीडिंग इन इंटरनेट और मेरा बच्चा है तो बाहर, उसने मुझे बताया कि मामा एक वो चिप आ गई है, जैसे कि अपने ये पेसमेकर लगाते हैं अपन कुछ हार्ट प्रॉब्लम है, उसी तरह से जैसे ओल्ड एज रिलेटेड डिजीजेस हैं या मे बी सम जेनेटिक है, तो वो एक ब्रेन में चिप डालते हैं
that enhances your learning capacity, your memory, and Alzheimer, dementia, ये सब control करती है. And this chip has been already into process with the human being also. तो 2-3 साल में ये market में आने वाली है. Vibrational, जैसे आप बता रहे कंपनात्मक, जिस तरह से heart पे chip डाली गई है उसी तरह से अभी वो उस पर animals पे experiment कर रहे हैं. मैं next week वो पता करके जरा अपने WhatsApp पर डालती हूँ, आप देखना, आपको बहुत interesting लगेगा. How it will help to enhance our memory power and cognitive power also. बिल्कुल, वो समझना पड़ेगा कि जीव. हाँ, sorry, एक बात और पूछ रही थी कि ये जो अपन जो daily अपना जो ये होता है lesson, उसके बाद में आप तो आ जाते हैं YouTube में आ जाते हैं, but इसकी कोई playlist कहाँ पर मिलेगी? जैसे सब lesson एक के बाद एक, मेरे कोई sister वो भी सब सुनना चाह रही थी, तो मैं उसको प्लेलिस्ट किस तरह से बताऊं, किस एड्रेस पे ऐसी जो आपने तो दी है वो YouTube, वो YouTube का जो चैनल है ना उसी में ऊपर वीडियोस एक होता है, उसके बाद प्लेलिस्ट बोल के ऑप्शन होता है, यदि आप पे देख रहे हैं फोन पे, उस पे ये डालूं आपका ये इवनिंग से कैसे डालूं? मैं उस ग्रुप में प्लेलिस्ट डाल देता हूं, दैट इज सिंपलर है ना, उसका एड्रेस डाल देता हूं प्लेलिस्ट, ठीक है, हमारे WhatsApp ग्रुप में डाल. ये अनस्टेबल बता रहा है साउंड, हम चलेगा. एनीवे, सो मेमोरी अपने में बहुत बड़ी टॉपिक है कि उसमें चैतन्य पक्ष जिसको हम. भैया एक बात कहना चाह रही थी. हाँ भैया, एक बात कहना चाह रही थी मैं. एक भैया जी ने ना भी चित्रण की बात की थी, और उसमें मैं एक बात कहना चाह रही थी, जैसे 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 हमारी न्याय की दृष्टि बनती है तो उस हिसाब से फिर हमारे अंदर ना एक ऊर्जा, मतलब मैं पर्सनली ये फील कर रही हूँ, तो फिर आप मुझे बताना कि मैं सही सोच रही हूँ या नहीं. जैसे जैसे हमारी न्याय की दृष्टि बनती है, जितना जितना हमारा ध्यान न्याय पर जाता है और न्याय हम व्यवहार में करने भी लगते हैं, वैसे वैसे मुझमें एक अलग सा एक विश्वास बनता है, और जैसे जैसे मुझमें विश्वास बनता है तो कोई चित्रण में कोई गलत क्रिया बैठी भी हुई है तो वो एक हल्का पड़ जाता है, वो मुझे ज्यादा प्रभावी या ज्यादा हैवी नहीं होता, तो मैं काफी हद तक अपने व्यवहार को नियंत्रित कर पाती हूँ कि उस चित्रण के चलते, या मुझे कोई खुशी मिल रही है किसी चित्रण से तो मैं उसको रोक पाती हूँ कि ठीक है ये चीज यहाँ पर है, इसका इतना ही जरूरत है, इतनी जरूरत नहीं है. लेकिन जैसे जैसे मेरा मैं कमजोर पड़ती हूँ, न्याय में कुछ मतलब गलतियां होती है संबंधों में, या जो तीन अवस्था है, उन तीन व्यवस्था है उनके साथ कोई अन्याय होता है और मेरा ध्यान नहीं जाता, तो मैं देखती हूँ कि मेरा आत्मविश्वास भी गिरता है, और फिर मैं वो जो चित्रण है वो मुझ पर हावी होता है, और फिर मैं अपने आप को मतलब ऐसा पाती हूँ कि नियंत्रित नहीं हो पाता है मेरा व्यवहार, और फिर मैं बहुत बुरी तरीके से टूट भी जाती हूँ, तो फिर मैं भावनात्मक रूप से भी बहुत, मैं एकदम से एक गिरावट आती है. तो ये बिल्कुल एक चेंज मैं अपने लाइफ में लगभग 2-3 साल से देख पाई हूँ. बिल्कुल, ये वही तो जीवन है, तो एक मतलब एक क्रम में कुछ अच्छा हो. जी जी नहीं, वही लिखने के रूप में तो हम 5 क्रिया के रूप में लिख देते हैं, लगता है कि बहुत सिंपल है, जब उसको अपने जीवन में और संसार में परीक्षण करके या निरीक्षण करके देखते हैं या अन्यों में सर्वेक्षण करते हैं तो देखते हैं कि यही दिखता है कि मामला इतना सिंपल भी नहीं है. जी जी भैया, ये वाली बातें तो रहेगी. मैं अभी किसी से बात कर रहा था उनके स्वास्थ्य के बारे में, मेरे मुंह से निकला कि देखो आपको भी ऐसा मानना चाहिए कि आपकी जो प्रतिदिन की जो स्वास्थ्य, और मैं मानता हूँ कि यू कैन मतलब यूज द सेम एनर्जी. भैया आवाज थोड़ा सा पीछे चले जाओ 2 लाइन. किसी से भैया आप इससे बात कर रहे थे ना बीमारी के बारे में, तो थोड़ा लाइन मिस हो गया. अच्छा, तो स्वास्थ्य मैं ये कह रहा था कि मैंने उस व्यक्ति को कहा कि आप मानो कि आपका जो स्वास्थ्य है ना, ये अभी स्टॉक मार्केट के जैसे रहने वाला है, किसी दिन ऊपर जाएगा, किसी दिन नीचे जाएगा, कई दिन ऊपर आएगा, सडनली नीचे आएगा, तो इस पूरे प्रक्रिया में जो ओवरऑल ग्रोथ है वो भी हमारा ऐसी है, दिन ब दिन देखेंगे ऐसे ही है, एक ओवरऑल पीरियड में देखेंगे तो धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, उसको हमको स्वीकारना चाहिए. देर विल बी गुड डेज एंड देर विल बी बैड डेज, एंड समटाइम्स देर विल बी वेरी गुड डेज एंड समटाइम्स वेरी टेरिबल डेज एंड समटाइम्स ब्लैंक डेज. ये होगा, ये हर इस प्रकार से स्वयं को समझ के और किसी चैतन्य रूपी लक्ष्य में चलने वाले प्रत्येक आदमी को होता है, नॉट जस्ट इन मध्य दर्शन, दूसरे किसी भी दर्शन में होगा. ठीक है, ये शुड बी एक्सपेक्टेड, ये कोई आश्चर्य नहीं है, इसके लिए कोई क्विक फिक्स भी नहीं है. उसका क्विक फिक्स ये है कि मेरे साथ जो हो रहा है वो वास्तविकता के किसी आयाम को समझ के अभाव में हो रहा है, तो वो क्या वास्तविकता है
उस पर मेरा ध्यान है ना, पुनश्च अध्ययन, और शॉर्ट टर्म के लिए उसमें जो भी मतलब हमको फेविकॉल फेविक्विक लगाना है हमको लगाना पड़ेगा। बाहर कहीं घूमने चले गए, अच्छे लोगों से मिल लिए, किसी फ्रेंड को फोन कर लिया है ना, कुछ खा लिया, ये सब ठीक है, क्या करें वो डिप से निकलने के लिए। इसीलिए वो ये सब करते समय फिर हम कुछ यदि उपयोगी कर सकते हैं तो कुछ अच्छे लोगों का संगत मिलता है हमको, कुछ लेखन शिक्षा में कुछ हमारा यदि भागीदारी होता है तो उससे हम इन इन डिप्स से बच पाते हैं जो हमारी पर्सनल इंटरनल डिप्स होती है, क्योंकि बाहर का दुनिया अभी भी अच्छा लगता है, हमको लगता है कि मैंने कुछ आज तक किया, ठीक है ना। तो कमिंग बैक टू द मेमोरी पार्ट, तो वेरी क्विकली, तो ये जीवन की जितनी भी क्रियाएं हैं ये कंपनात्मक गति के रूप में है, तो आस्वादन भी कंपनात्मक गति के रूप में है। So if you ask, if you want to imagine what is it stored like, it is actually stored as a vibration, as a result of a vibration in motion in the chit. इससे अधिक उसका कोई विश्लेषण नहीं। ठीक है ना भाई? Okay, ठीक है भैया। बाकी ब्रेन के साथ उसकी जो रिकॉल क्षमता है वो एक अलग चीज है, तो वो साइनाप्सिस एंड न्यूरोनल सर्किट्स के रूप में रहता है। अच्छा। और वो अपने में एक बहुत लंबी चर्चा, क्योंकि उसका एनिमल्स में स्टडी करना पड़ेगा। मेमोरी किस चीज को बोलते हैं, जस्ट स्टोरेज एंड रिट्रीवल, तो हमारा मेमोरी चिप फोन भी कर ही रहा है, सपोज ह्यूमन मेमोरी डिफरेंट फ्रॉम दैट, है ना। तो मेमोरी का परिभाषा क्या है, और उसका एक लंबी चर्चा, अभी हम लोग एक मनन गोष्ठी में थे तो उसकी एक लंबी चर्चा हुई, तो इस ग्रुप में कभी उसके जब थोड़ा सा जीवन क्रिया और अगर आगे और बात कर लेंगे तब उसमें कर सकते हैं हम लोग। भैया, इस स्टोरेज का रिट्रीवल में जो रैंडम और सिक्वेंशियल हो रहा है, इसमें तो पता ही नहीं चलता है कि कब क्या हो रहा है, ठीक है ना। तो ये इसका एल्गोरिथम भी बहुत जबरदस्त लग रहा है, हमारा एल्गोरिथम जो है ये इसीलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हम वो हार्ड डिस्क के अंदर बैठे हैं, ये तब दिखेगा जब हम हार्ड डिस्क के बाहर से देख पाए तभी तो दिखेगा कि कहां पर क्या है। अभी मैं ही हार्ड डिस्क हूं तो मुझे हार्ड डिस्क कैसे दिखेगा। सही बोल रहे हैं, you're inside the storage and you are the storage many times, so how can you see the storage? You have to become separate from it. Most of the time awareness hi nahi hai ki main storage mein hu, kya mere andar koi storage, ye bhi nahi hai. 90% aadmi aise hi milega abhi to behosh. Theek hai, computer mein bhi random aur sequential ka jo problem hai wo to solve ho gaya hai. अभी फ्लैश और NVMe जो आया है, इट डज नॉट मेक अ डिफरेंस कि रैंडम है कि सीक्वेंशियल है। ठीक है, NVMe बहुत फास्ट हो गया है। तो कमिंग बैक टू परिवार, तो इसमें यदि देखें तो मटेरियल थिंग्स की आवश्यकता है, भौतिक वस्तुओं की आवश्यकता है परिवार में, परंतु तो ये सीमित है, ऐसा नहीं कि असीमित है। और भाव के पूर्ति को हम फिर भौतिक विधि से पूरा नहीं कर सकते, है ना। इसीलिए कुछ बच्चों के भी लगता है थोड़ी दिन के बाद कि हम उनको कुछ मिला ही नहीं, क्योंकि उनके अंदर उनकी जीवन गति को कुछ मिला नहीं रहता, उसको वस्तु मिला रहता, वो वापस पैसा पकड़ा देता है पिताजी। ये बहुत बड़ी क्राइसिस है, क्योंकि यदि हम देखें, और ये सब आप पढ़ सकते हैं ना, ये बुक तो आपके पास है, सो आई डोंट थिंक आई हैव टू रीड आउट, जो ऑलरेडी लिखा है इतना इंग्लिश शायद सब लोग पढ़ लेंगे। तो ये प्रॉब्लम यह है कि संबंध को फिर हम एक कॉन्ट्रैक्ट के रूप में देखते हैं ना, तो मैरिज को सोशल कॉन्ट्रैक्ट बोला है, कॉन्ट्रैक्ट कैन बी रिटन ब्रोकन, और एक कॉमन एरर है कि केवल पति पत्नी और बच्चे तक ही देखते हैं संबंध को, वो भी एक पर्टिकुलर एज तक, उसके बाद उसको बोलते हैं कि तू निकल जा, हो गया तेरा काम। तो हमारी बहुत एक सीमित संकीर्ण नैरो फोकस होती है परिवार की। तो पहले कुटुंब का एक शब्द था, कुटुंब का एक कंसेप्ट था, जॉइंट फैमिली कुटुंब, विच इज अ लार्जर फैमिली। अभी तो सब बिखर गया ना, मैं अपना कुटुंब देखूं तो इट इज ऑल ओवर द प्लेस, मेरा किसी से संपर्क ही नहीं है। परंतु कुल मिलाकर जो इश्यूज हैं हम देखेंगे तो संबंध प्रॉपर्टी को लेकर ही बहुत सारी डिस्प्यूट्स हैं फैमिली में। या तो किसी ने कुछ बोला जो उसको अच्छा नहीं लगा, या किसी का कोई घर बेर फंसा है और उसके पूर्ति के लिए उसको लगता है कि वो फिर संबंध को छोड़ के वो उस प्रॉपर्टी के पीछे पड़ जाता है,
क्योंकि उसमें लाभ की दृष्टि है ना, न्याय की दृष्टि का। अभी हम वो दृष्टि के आधार पर लोगों के बिहेवियर को समझ सकते हैं। ये छह पेंडुलम के रूप में आप मानिए तो उसका पेंडुलम कहाँ खड़ा है उस मुद्दे पर वो समझ में आता है। इसलिए परिवार जो है हमारे जीने का बहुत एक मूलभूत एक फंडामेंटल एक पक्ष है जिसको ठीक से समझने की आवश्यकता है। ये 8.1 पेज नंबर 244 में आपके लिए कुछ परिवार ये सारे एक्सरसाइज हम लोग भी कर ही सकते हैं। कितने बार हम लोगों का मजाक उड़ाते हैं, कितने लोगों के मूल जाने पर हमको विश्वास है, that you should never doubt them। कोई एक आदमी मिलता है जिस पर हमको कभी भी शंका नहीं हुई। जब हम लोगों को मूल्यांकित करते हैं तो बेसिस क्या होता है, बहुत सारे उसमें पॉइंट्स हैं जो ऑलरेडी हमारी चर्चा हो चुकी है। और यहाँ पर ये क्या, ये तो चैप्टर समरी है। आई थिंक आई अवॉइड दिस, आई हैव गिवन द समरी मेनी टाइम्स। दिस इज नॉट एन ऑनलाइन लेक्चर, आप उसको फिर खुद पढ़ ही सकते हो, दिस बुक इज अवेलेबल, तो आप लोग इसको पढ़ सकते हो। तो ये संबंध के बारे में यहाँ पर समरी दी है। तो ये मानव संबंध, सात संबंध, उसमें नौ स्थापित मूल्य और परिवार में जीने पर हमारी बात पूरी हो गई। अब हम समाज में व्यवस्था को अगले सप्ताह से प्रारंभ करेंगे। वी आर थैंकफुली कमिंग टू द एंड ऑफ द परिचय शिविर, इट विल बी लॉन्गर। ठीक है, रोक लें। आप गला खराब था, फिर भी आपने पूरी क्लास चली, थैंक यू सो मच। नहीं नहीं, थैंक यू लॉन्ग था। अच्छा, सबको नमस्ते। नमस्ते, बाय। थैंक यू भैया। अभी तो रोड में मुझे अंकल बोलने लग गए लोग, तो मुझे लगता है भैया बोलते भी। एक तो गुरु पदवी पे है और ऊपर से उम्र में इतने छोटे। हेलो, थैंक यू। Hello. Hello, where is she? Show. Come and show your face. Come on, come. I have seen a beautiful face, Dad. Aha. Dad hai na. Hello. Haan, lambe lambe baal. Hello. Kya naam hai aapka? What's your name? Pihu. Pihu. Okay. Beautiful. ये हमारे नेबर है, हमारी बेटी की दोस्त भी है। ये दोस्त भी है। ओहो, पीहू नाम भी बहुत सुंदर है। पीहू, ठीक है। यू नो व्हाट इज पीहू? यू नो द मीनिंग ऑफ पीहू? या व्हाट, टेल मी। पीहू इज अ बर्ड, बर्ड है बेटा। एक चिड़िया का नाम है पीहू, चिड़िया, जंपिंग चिड़िया। चिड़िया होती है ना छोटी सी, पीहू पीहू। नहीं, पीका के ना उसका सब। मामा ने क्या बताया मीनिंग? मेरे ख्याल से पीहू मींस अ बर्ड। वही क्या बताया आपके? पीका का साउंड। का साउंड, या अच्छा साउंड है। ओ या, तो चिड़िया के पास मीठा साउंड होता है। या दैट मेक सेंस। नमस्ते भैया सबको। ओके, नमस्ते। गुड टू सी यू, गुड टू सी यू। या थैंक यू, बाय बाय बाय।